हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखो, आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है, डिवेंचर्स। और डिवेंचर्स मेरे बच्चे, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स। लिखिए मेरे साथ, इशू ऑफ डिवेंचर्स। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल, कुछ है नहीं इसे समझाने के लिए। सर ये क्या होता है? बाद में पहले आप लिखो मेरे साथ टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको। तो पहला लिखेंगे आप यहां पे, फर्स्ट लिखेंगे इशू फॉर कैश, अगर डिवेंचर्स इशू किया कैश के लिए। सेकंड आपका है इशू फॉर कंसिडरेशन, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश थर्ड लिखेंगे आप इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। फोर्थ में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स एक कर्ज है बच्चे, जो हम पब्लिक से लेते हैं, तो उसपे इंटरेस्ट पेमेंट करने की एंट्री कैसे की जाएगी। और पांचवें में हमें समझना है यहां पे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। सर ये क्या है, अभी बताऊंगा, आप लिख दो पहले यहां पे। हमें पहले पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। मेरे बच्चे, पांच टॉपिक के इसमें हमें मास्टरी करनी है। और एक बात और ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन कराऊंगा उतना ही करना है, कोई नए क्वेश्चन के ऊपर ट्राई नहीं करना, सब कुछ हम कवर करेंगे इसके अंदर में। आपको क्लास में पूरा फोकस करना है, पांच टॉपिक में इशू ऑफ डिवेंचर्स को खत्म करेंगे। सर डिवेंचर क्या होता है? देखो सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए ना डिवेंचर का, दो मिनट का समय लूंगा, मुझे पता आपको पता होगा इसके बारे में फिर भी। तो देखो होता क्या है, आप लिखना बंद करना। एक्स लिमिटेड मान लो एक कंपनी है, इन्होंने क्या किया, अगर मान लो पब्लिक से यानी कि लोगों से सपोज कि 20 लाख का मेरे बच्चे लोन लिया, कर्ज लिया। तो जब ये कंपनी पब्लिक से लोन यानी कि कर्ज लेती है ना, तो पब्लिक कहते हैं कि भैया ये जो 20 लाख हम आपको जो अमाउंट दे रहे हैं, इसका एक एक्नॉलेजमेंट दो। एक्नॉलेजमेंट का मतलब कि हमें प्रूफ दो कि हमने आपको 20 लाख का लोन दिया है, यानी कि आप हमें एक प्रूफ दीजिए कि आपने मुझसे 20 लाख का कर्ज लिया है। मेरे बच्चे ये जो कंपनी है ना, ये एक अपना कागज निकालती है जो अपने कंपनी का है, और इस कंपनी पे इस कागज पे वो लिख के कहते हैं कि हाँ जी हमने आपसे 20 लाख का कर्ज लिया है, और इस कर्ज पे मान लो हम आपको 15% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। मान लो ये रेट कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, तो मेरे बच्चे कर्ज है ना, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना, ये जो कागज है, इसी कागज को हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर्स। मतलब सिंपल शब्दों की बात करें तो, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर मान लो मैंने किसी से कर्ज लिया तो उसको एक प्रूफ तो देना होगा रिटर्न कि हाँ भैया मैंने आपसे कर्ज लिया है। उस कागज को मेरे बच्चे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिवेंचर्स बोलते हैं। यही आपका डिवेंचर है, याद रखना। अगर कभी आपको दिख जाए ऐसा लिखा हुआ, अगर कभी कहता है कि आपका मान लो कि 12% डिवेंचर, अगर ऐसा कुछ दिख जाए बच्चे, मान लो ये 5 लाख का है, इसका मतलब कि पब्लिक से हमने 5 लाख का कर्ज लिया है और उस पे 12% के हिसाब से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट उनको पे करेंगे। ये हमेशा आपका इंटरेस्ट रेट होता है, ये इंटरेस्ट रेट होता है। डिवेंचर से कर्ज है, एक लाइबिलिटी है मेरे बच्चे, जिसपे हमें क्या करना हो, इंटरेस्ट पे करना होता है। तो मैं जो ये डिवेंचर्स इश्यू कर रहा हूँ ना, इसी की अकाउंटिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे सीखना है। इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, पहला है इश्यू फॉर कैश, दूसरा कंसिडरेशन अदर देन कैश, का मतलब होता है कि मान लो किसी से मैंने मशीन लिया, बिल्डिंग लिया, और उस मशीन बिल्डिंग के बदले में मैंने क्या किया, उनको डिवेंचर्स दे दिया, मतलब कर्ज पे लिया है हमने, क्या किया, डिवेंचर्स दे दिया। थर्ड में कोलेटरल क्या होता है मैं सिखाऊंगा, इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा डिवेंचर पे उसकी अकाउंटिंग भी मैं सिखाऊंगा, और राइटिंग ऑफ क्या है ये भी मैं सिखाऊंगा। पहले मैं इसको हटाता हूँ और बिल्कुल स्लोली स्लोली सिंपल सिंपल शब्दों में मैं इस चैप्टर को आपको समझाता हूँ।
मुझे पता है कि जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आपका इंटरेस्ट बनेगा और वो इंटरेस्ट आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा बच्चे, है ना। आप ध्यान दीजिए, पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। आइए जरा इशू फॉर कैश लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे नया पेज लेंगे आप, नया पेज, और ऊपर में लिखेंगे इशू फॉर कैश। अगर डिवेंचर्स इशू करते हैं कैश के लिए, मान लो कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक से पैसे लिए, पैसे कैश, और उसके बदले में डिवेंचर्स यानी कि एक्नोलेजमेंट दिया, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे हम उसके बारे में सीखेंगे। जरा आ जाओ पहले जल्दी से बुक के अंदर में क्वेश्चन नंबर 6। सर 6 सीधे 1 2 3 4 5 नहीं करेंगे सर, करेंगे बच्चे सारे क्वेश्चन करेंगे बुक का, आप चिंता ना करो, लेकिन पहले ना आप आ जाओ 6 नंबर के अंदर में। आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ध्यान से क्या बता रहा है पढ़ना जरा ध्यान से। 6 में मेरे बच्चे मैंने 5 केसेज आपके लिए बनाए हैं, तो 6 में पहले मैं नंबर ए की बात कर रहा हूँ। नंबर ए क्या बोल रहा है, इश्यू ऑफ ₹1,00,000 9% डिवेंचर्स एट पार, रिडीमेबल एट पार। पार का मतलब होता है कि अगर एक डिवेंचर मान लो ₹100 का है, तो हमने पब्लिक को इसको 100 में ही बेचा है, ₹100 का डिवेंचर हमने ₹100 के रेट से बेचा, इसको बोलते हैं पार। तो मेरे बच्चे जरा बताओ यहाँ पे इशू के टाइम पे एंट्री क्या होगा, मेरी बात ध्यान सुनना, जब हमने डिवेंचर्स इशू किया था यानी कि पब्लिक से जब कर्ज लिया था, तो कर्ज हमारे पास यानी कि पैसा आया था मेरे बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी सारी डीलिंग बैंक से करती है इसलिए बैंक से एंट्री करेंगे, कितने का कर्ज आया था सर, ₹1,00,000 का। अच्छा बताओ इसके बदले में कंपनी ने क्या दिया था, सर कंपनी ने इशू किया है 9% डिवेंचर्स, मतलब कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी क्रिएट होगी मेरे बच्चे उसका नाम है 9% डिवेंचर्स। ये एंट्री आपका 1,00,000 से हो गया इशू के टाइम, आपका इशू के टाइम का, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर्स हमने इशू किया। आपको पता है ना जनरल एंट्री करने का तरीका, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि हमारे जो एसेट्स हैं और जो एक्सपेंसेज हैं ये जब भी आपके इंक्रीज करते हैं मेरे बच्चे, जब भी ये आपके इंक्रीज यानी कि बढ़ेंगे, एक मिनट ये वायर फंस रहा है, हाँ जी, ये हमारे जो एसेट्स होते हैं और एक्सपेंस जब भी आपका इंक्रीज करता है तो हम जनरल एंट्री में डेबिट करते हैं, और जब भी ये आपका डिक्रीज करेंगे जब ये कम होते हैं तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। एक रूल आपने पहले सीखा होगा बचपन में, डेबिट वार्ड कंपनी क्रेडिट वार्ड गोजाट, वो काम नहीं करना, वो बहुत छोटे छोटे बच्चे करते हैं, हम बड़े बच्चे होते हैं जी, हमें ज़्यादा हमें अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होता है। तो सिंपल एंट्री, कोई भी एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट घटना क्रेडिट होगा मेरे बच्चे। अगर कोई कैपिटल है, अगर कोई लायबिलिटी है, या फिर अगर कोई आपका इनकम हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, रिजर्व हो जाए, कुछ भी, मतलब बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी साइड में होते हैं, इनका इंक्रीज करना क्रेडिट किया जाता है, और इनका डिक्रीज करना यहाँ पे डेबिट किया जाता है। बहुत सिंपल तरीका है, 4-5 एंट्री करेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। एसेट साइड का कुछ भी बढ़ेगा तो डेबिट करूंगा, एसेट्स हो, एक्सपेंस हो, लॉस हो, बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। देखो ना, कंपनी के पास बैंक में पैसे आए हैं बच्चे, एसेट्स बढ़ गया, हमने क्या किया, डेबिट किया आपका, साथ ही साथ कंपनी पे लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज करना क्रेडिट, तो आपने ये लिख दिया, ये इश्यू के टाइम का एंट्री हुआ। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर, वो क्यों बता रहे हो, हमें पहले से पता है तो अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता मैंने समझा दिया, क्या गलत कर दिया बच्चे, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने, ये इश्यू के टाइम का एंट्री हुआ। आओ ना देखते हैं कि जब रिडम्पशन की बारी आई होगी, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, जब हमने कर्ज आपसे लिया तो एक समय के बाद आपका कर्ज मुझे वापस भी करना होगा, गलत बोल रहा हूँ बच्चे? नहीं सर, तो जब मैंने कर्ज आपको वापस करने का समय जब आया, आज से 8 साल 10 साल 20 साल, ये सारी बातें पहले स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाती है कि डिवेंचर्स इशू कैसे होगा जी, अगर उसका रिडम्पशन करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, कब करेंगे, सब डिसाइड हो जाता है, हमें उसमें भी नहीं जाना। अभी हम न्यूमेरिकली बात करें, थ्योरी में मैं अलग से आपके पास आऊंगा, आप चिंता नहीं करना। कहता कि 1,00,000 के डिवेंचर्स इशू किया एट पार, एट पार का मतलब हुआ कि भैया हमने 1,00,000 के बदले में आपसे 1,00,000 लिया है, लेकिन कहता कि रिडीमेबल एट पार, जब रिडम्पशन हुआ, रिडम्पशन तो मेरे बच्चे पार का मतलब होता है कि फेस वैल्यू, इतना ही पैसा वापस करेंगे। देखो ना मैं क्या करूंगा, ये जो डिवेंचर है ना, ये लायबिलिटी, अब इसको हटाओ। आप बताओ लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट में जो था ना बच्चे, आप इसको डेबिट कर दो,
ये लाइबिलिटी आप क्या करना, अपने बुक से हटा देना, कहना कि 1 लाख का जो डिवेंचर्स यानी कि लाइबिलिटी हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और ये पैसा अब हमें इनके मालिक को देना है। मेरे बच्चे डिवेंचर्स जिन्होंने खरीदे थे ना, मतलब जिन्होंने कर्ज दिया था, हम उन्हें बोलते हैं डिवेंचर होल्डर, उन पब्लिक को। तो हमने क्या किया, 1 लाख बढ़ा दिया। ध्यान सुनना, ये लाइबिलिटी हमने हटा दिया, डेबिट कर दिया, अब ये पैसा मुझे डिवेंचर होल्डर को देना है यानी कि उनके मालिक को देना है। इनकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ना क्रेडिट किया जाएगा। लिख दो यहां पर नरेशन, आपको रिविजन में दिक्कत ना हो। ये एंट्री है बींग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर। मेरे बच्चे डिवेंचर होल्डर को ड्यू करने की एंट्री है। ड्यू मतलब मुझे आपको पे करना है, करना, अभी पे नहीं किया, पे करना है। एक काम करना, ये हमारी पहली एंट्री हो गई इशू के टाइम पे, रिडम्पशन पे दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री आप लिखेंगे यहाँ पे थर्ड एंट्री। मेरे बच्चे अब इनका पेमेंट कर दो। जब मैं इनका पेमेंट कर दूंगा तो ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। डिवेंचर होल्डर जो क्रेडिट में थे, अब इनको हमें डेबिट करना होगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ लाइबिलिटी को कम करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ता है। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट आपका डेबिट हो गया 1 लाख अमाउंट, और हमने पेमेंट कर दिया ना बच्चे, यानी कि 2 बैंक अकाउंट। लीजिए, हमने कर्ज वापस कर दिया, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। लिख दो नरेशन यहाँ पे, बींग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर। मेरे बच्चे डिवेंचर होल्डर को हमने क्या किया, पे कर दिया, और उस पेमेंट करने की हमने एंट्री आपको दिखा दी। कुछ भी नहीं है, चैप्टर बहुत सिंपल है। ये हम लोग 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं, आगे जितने भी कॉरपोरेट अकाउंटिंग सब जगह हमारा चलता है, तो कुछ बड़ी बात थोड़ी है। आप ले जिसकी कॉपी कर लो। ये 6 का आपका ए पॉइंट हो गया बच्चे। सर हाँ जी, अब फिर हम अब यहाँ पे बी पे आते हैं, जरा देखते हैं बी पॉइंट क्या बता रहा है। ध्यान सुनना, आपको अच्छा लगेगा। कहता है कि इश्यू ऑफ 1,09% डिवेंचर्स एट ए प्रीमियम 5%। आपने जो डिवेंचर्स इशू किया है वो कहता है कि 5% के प्रीमियम पे। बच्चे प्रीमियम का मतलब क्या, हम आपसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो आप ध्यान देना, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें इशू के टाइम की एंट्री। इशू के टाइम की एंट्री क्या होगी, तो नंबर 1 में लिखेंगे आप, यहां पे नंबर 1 में आपने डिवेंचर्स इशू किया है एट 5% प्रीमियम। बच्चे इशू किया प्रीमियम पे, सिर्फ इशू की बात करना, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। एंड 2, आपने कहा कितना परसेंट डिवेंचर है, 9% डिवेंचर। मेरे बच्चे अगर आप डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो, प्रीमियम का मतलब होता है कि आपने डिवेंचर होल्डर को कहा है कि देखो जी, ऐसे तो एक डिवेंचर मेरा 100 रुपए का है, लेकिन एक डिवेंचर जो 100 रुपए का है, इसके बदले में मैं आपसे 105 रुपए लूंगा, ऐसा आपने कहा। सर एक बात बताओ, कोई भी आदमी 100 रुपए के सामान का 105 रुपए क्यों पे करेगा? मेरे बच्चे पे करते हैं लोग। मैं आपको रीजन 1000 दे सकता हूं, लेकिन मेन रीजन बताता हूं। 2 बातें यहां पे काम करती है, 2 बातें। एक तो कंपनी का ब्रांड कैसा है, ब्रांड। अब सोचो ना, टाटा कंपनी है, मान लो एक कंपनी में आपको दिखा रहा हूं टाटा, और एक दिखा रहा हूं एक्स लिमिटेड। इन्होंने भी डिवेंचर्स इशू किया, इन्होंने भी अपना डिवेंचर इशू किया, इनका भी रेंट आपका 10% है, इनका भी रेट 10% है। मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से किस कंपनी में आप पैसा लगाना पसंद करोगे? सर अनडाउटली मैं टाटा कंपनी में पैसा लगाना पसंद करूंगा, क्योंकि एक ब्रांड है, इसको तो कोई जानता ही नहीं बच्चे। तो देखो, आपका जो झुकाव है ना, आपका जो इंटरेस्ट है, वो चला गया टाटा कंपनी की तरफ में। अब टाटा कंपनी में बहुत लोग आते हैं कि मुझे दो। तो ये कंपनी आपके इंटरेस्ट का फायदा उठाती है। वो कहते हैं कि भैया मेरा एक डिवेंचर 100 का है, लेकिन हम आपको 100 रुपए में नहीं देंगे, हम आपको 105 रुपए में देंगे, बस चाहिए तो आप ले लो। तो पब्लिक सोचती है कि यार 5 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करके, अगर मान लो यहां पे मेरा पैसा सेफ हो सकता है, सिक्योर्ड हो सकता है, तो फिर मैं यहां पैसे लगाने के बजाय क्या करेंगे जी, टाटा कंपनी में लगाएंगे। मेरे बच्चे पहला ब्रांड जो है वो आपके डिवेंचर्स को, वो आपके शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा बेचने पे आपको मजबूर करता है, और आपको परचेज करने से, यानी कि आप ऐसी कंपनी का 2-4 रुपए 10 रुपए महंगा मिलता है तो भी आप सामान लेने को तैयार हो जाते हैं। एक और भी रीजन बताता हूं, जरा सोचो ध्यान से, जरा सोचो। मैं ब्रांड पे नहीं जाता, ब्रांड की बात छोड़ो। टाटा कहता है कि 10% मेरा डिवेंचर है,
और ये कहता है कि देखो जी ये मैं ले लूं, मान लो रिलायंस, दोनों एक बड़े ब्रांड की बात करता हूं, इन्होंने भी 10% डिवेंचर आपका इशू किया, मुझे बता अब पैसा किस में लगाओगे? सर दोनों का अच्छा ब्रांड है, हम किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक बोला आपने, दोनों ब्रांड अच्छे हैं, किसी में भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे देखो टाटा ने क्या किया, ये कहता है कि देखो जी मैं 10% नहीं, मैं आपको 12% इंटरेस्ट देने को तैयार हूं, यानी कि मार्केट से 2% ज्यादा। अब बताओ आप किसके डिवेंचर लोगे? तो सर टाटा के। तो अब ये 100 रुपए का जो डिवेंचर है ना, कहता है भैया मैं तो 105 रुपए में दूंगा, 108 रुपए में दूंगा। जरा बताओ आप 5 रुपए 6 रुपए एक्स्ट्रा पे करके अगर 2% एक्स्ट्रा रिटर्न पर एनम आपको मिलता है तो आप इनके डिवेंचर परचेज करोगे कि नहीं करोगे? सर करेंगे, यही काम होता बच्चे। तो कंपनी जो होती है ना अपने ब्रांड के चलते, या अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ऑफर करती है एज कंपेयर टू मार्केट, तो उस केस में आपको क्या होता है, यहाँ पे वो आप डिवेंचर्स जो है वो आपको प्रीमियम पे बेच सकती है, और वो बेचती है और आप परचेज भी करते हो। तो खैर मैं मुद्दे पे आता हूँ, मैं क्या कर रहा था, जरा पढ़ना फिर से पॉइंट, मुझे पता नहीं मैं कहाँ चला गया, क्यों इतना समझा रहा हूँ, सिंपल सा चैप्टर है। बी में कहता है कि 1 लाख के डिवेंचर्स इशू किए गए हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। मेरे बच्चे प्रीमियम 5%, इशू 5% प्रीमियम पे हुआ है। तो देखो आप मुझे बताओ डिवेंचर्स कितने के हैं? 1 लाख के। मेरे बच्चे आप कसम खा लो कि डिवेंचर के आगे आप हमेशा उसकी फेस वैल्यू से एंट्री करोगे, मतलब डिवेंचर जितने का है। हमारा अकाउंट्स कहता है कि अगर पब्लिक से आपने फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा लिया है, अगर आपने पब्लिक से फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा लिया, हाँ प्रीमियम हमने लिया है, तो वो कहते हैं कि प्रीमियम को आपको अलग नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और वो पैसा आपको एंट्री करते समय पब्लिक को बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भैया हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आपसे पैसा लिया है। मेरी बात ध्यान सुनना, ये कानून की रिक्वायरमेंट है बच्चे, कि अगर पब्लिक से आप फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा लेते हो तो उनको एंट्री में भी आपको बताना पड़ेगा कि हमने आपसे पैसा ज्यादा लिया है, और जितना ज्यादा पैसा लिया है वो मेरे बच्चे प्रीमियम के नाम से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है ना, बताओ ना कितना परसेंट प्रीमियम है? सर कहता है कि 5%, तो 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5000 का अमाउंट। मुझे बताओ पब्लिक से 1 लाख ये प्लस 5 टोटल हमने कितना लिया? 1 लाख 5000। प्लीज कॉपी करें यहां तक आपका, ये पहली एंट्री हो इशू के टाइम पे। अब मैं आपको रिडम्पशन के टाइम की एंट्री बताना चाहता हूं। रिडम्पशन जब हमें पैसे वापस करने हैं पब्लिक के, जरा पढ़ो ना क्वेश्चन में, जरा पढ़ के मुझे बताओ रिडम्पशन किस चीज पे हो रहा है। सर कहता है बी में रिडीमेबल एट पार। सर वो पैसा पार पे रिडीम करने की बात कर रहा है। पार का मतलब क्या जी? जितना हमने फेस वैल्यू लिया था हम उतने ही पैसे वापस करेंगे। सुनना मेरी बात, इश्यू तो प्रीमियम पे हुआ था लेकिन पहले से कमिटेड है कि जब पैसा वापस करूंगा तो जितना आपसे फेस वैल्यू लिया था उतना ही वापस करूंगा। खैर जो क्वेश्चन बोलेगा वही काम करना पड़ेगा मेरे बच्चे। तो आप क्या करो, अब रिडम्पशन के टाइम पे ये 9% डिवेंचर की जो लायबिलिटी है ना, आप इस लायबिलिटी को हटा दो, यानी कि 1 लाख रुपीज आप इसको डेबिट करेंगे, और मुझे बताओ अब ये पैसा मुझे किसको पे करना है? बोलो ना किसको पे करना है? सर डिवेंचर होल्डर को, यानी कि इनके मालिक को। तो हमने मेरे बच्चे डिवेंचर की लायबिलिटी को हटा के हमने लिख दिया 2 डिवेंचर होल्डर। अगली एंट्री में अब नरेशन में नहीं लिख रहा, क्योंकि नरेशन बता चुका हूं क्या निकल के आएगा। एग्जाम में नरेशन तभी लिखेंगे जब क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज नरेशन आपको नहीं लिखना। अगली एंट्री में क्या करो, डिवेंचर होल्डर जो है, डिवेंचर होल्डर आप इनको डेबिट कीजिए, यानी कि आप इनको हटाओ, और इनका पूरा का पूरा जो पेमेंट आपने कमिट किया था, यानी कि फेस वैल्यू, वो पूरा का पूरा पैसा वापस कीजिए टू बैंक अकाउंट। लीजिए हमारी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो पहली एंट्री आपका इश्यू के टाइम पे हुआ, रिडम्पशन के टाइम पे हमने 2 एंट्री पास किया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक बात ध्यान रखना, लोग क्या बोलेंगे मत सुनना। मैंने कहा कि जब इश्यू की एंट्री कर रहे हो ना तो सिर्फ इश्यू के बारे में सोचो, इश्यू किस चीज पे हुआ है। जब रिडम्पशन की बारी होगी ना, हम रिडम्पशन के बारे में सोच लेंगे। आई बात समझ में? सर हाँ जी। तो आप अगर कहो तो मैं इसको मिटा दूं, मुझे अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो मैंने बता दिया ए और बी, तो मैं इसको मिटाता हूं एंड पॉइंट नंबर सी पे आता हूं। आओ जरा देखता हूं कि पॉइंट नंबर सी हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। आओ जरा चेक करते हैं पॉइंट नंबर सी हमें बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। आप देखो ना, आपको अच्छा लगेगा। सुनो ध्यान से क्या बता रहा है पॉइंट नंबर सी में। वो कहता है कि इश्यू
of 1 lakh 9% debentures at a discount of 10%. ध्यान से मेरे बच्चे, कहता कि जो debentures issue किया गया है वो 10% discount पे है. Redeemable कहता है कि at par, repayable यानी कि redeemable at par. खैर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, पहले C में मैं issue के time की entry करूंगा. इश्यू के टाइम की जरा बताओ ना क्वेश्चन पढ़ के कि डिवेंचर्स जो इश्यू हुआ वो किस चीज पे हुआ है. सर डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे. सर डिस्काउंट पे कोई क्यों डिवेंचर्स इश्यू करेगा मेरे बच्चे? रीजन आप खुद सोच सकते हैं. जरा मुझे बताओ, सोचने का तरीका है, एक है टाटा और एक है एक्स लिमिटेड. इसने कहा मेरा डिवेंचर 12% डिवेंचर है, ये कहता कि मेरा भी 12% डिवेंचर है. बताओ ना, इनका भी एक डिवेंचर मान लो 100 का है, इनका भी एक डिवेंचर मान लो 100 का है. मुझे बताओ, अगर आप पब्लिक हो, आम जनता, तो आप पैसा टाटा में लगाओगे कि एक्स में? सर टाटा में. जब जवाब आप ये दे ही दिए तो फिर क्यों पूछते हो? मुझे बताओ, ये एक नई कंपनी है, लोग नहीं जानते इनके बारे में, लेकिन मेरे बच्चे पैसे इनको भी चाहिए, पैसे इनको भी चाहिए, इनको भी आगे बड़ा होना है और बड़ा होने के बाद टाटा बिरला को पीछे करना है. तो मुझे बताओ, जब सभी लोग पैसा यहां लगाएंगे तो इस बेचारे का क्या होगा? पता ये क्या करते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, फिर ये पैसा इकट्ठा करने के लिए पब्लिक को बोलते हैं कि भैया एक डिवेंचर मेरा 100 रुपए का है, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं आपको इसको 10% डिस्काउंट पे देने को तैयार हूं. मतलब 100 का समान है, लेकिन मैं आपको 90 के रेट से देने को तैयार हूं. मेरे बच्चे, जो लोग इस ऑफर को अच्छा समझते हैं, रिस्क थोड़ा आप ले सकते हैं, रिस्क बियर कर सकते हैं, वो पैसा यहां पे लगाते हैं. तो आप ये ना कहो कि डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, सब हो सकता है. एक बात और, मेरा थ्योरी सेक्शन जो है उसमें मैंने सारी बातें आपको अलग से समझाई हुई है डिटेल में, कैसे आंसर लिखना है, क्या मतलब निकल के आता है, कितने मार्क्स में क्या आंसर लिखना है, सब बताया आपको. बिल्कुल चिंता नहीं करना, फिलहाल न्यूमेरिकली हम बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं आपका, ठीक है ना? तो आप ध्यान देना, यहाँ पे इशू कहता है कि डिस्काउंट पे हुआ, जरा पढ़ो ना कितना डिस्काउंट है. सर 10%. तो आप देखो, जब डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे तो पैसा आएगा, पैसा हमारा एसेट से बढ़ना डेबिट होगा. मजे की बात है कि आप जरा देखो, अगर हम डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो बताओ कंपनी के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है कि इनकम है? बताओ कंपनी के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है कि इनकम है? सर कंपनी के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है. मेरे बच्चे, एक्सपेंसेस का बढ़ना भी डेबिट होता है. आप तो बचपन से सीख रहे हो, मैं क्यों समझा रहा हूं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत छोटा बहुत प्यारा बच्चा समझ रहा हूं और सारी एंट्री समझा रहा हूं कि अगर डिवेंचर्स इश्यू हुआ डिस्काउंट पे तो आप इसको लिखते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू. लिखिए यहां पे डिस्काउंट ऑन इश्यू. इश्यू के टाइम पे हमने क्या किया, डिस्काउंट दिया है, आप इसको डेबिट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड. एंड टू यहां कहता है मेरे बच्चे कितना परसेंट डिवेंचर है जी? सर 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर. मुझे ये बताइए, जो डिवेंचर्स इश्यू हुआ इस क्वेश्चन में उसकी फेस वैल्यू कितनी है? सर 1 लाख. आपने अभी अभी मेरे साथ कसम खाया था कि डिवेंचर के आगे हमेशा आप उसकी फेस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? मुझे बताओ, अगर 10% डिस्काउंट पे अगर इसको इश्यू किया गया तो हमारे बैंक में पैसा कितना आ गया? सर 90,000, क्योंकि सर इसका 10% 10,000 है और वो डिस्काउंट हो गया. सर मतलब कर्ज तो हमारा 1 लाख का बढ़ा, 1 लाख के अगेंस्ट हमने 90 लिया, 10,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया. लीजिए, इश्यू के टाइम की एंट्री कंप्लीट हो गई. अब जरा आओ मैं देखूं यहाँ पे रिडम्पशन के टाइम पे हमारी एंट्री क्या बनती है. देखो ना, रिडम्पशन के टाइम की एंट्री क्या बनती है, वो कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना. रीपेबल, पढ़ो जरा पॉइंट नंबर सी दोबारा मेरे साथ. वो कहता है कि रीपेबल एट पार. पार का मतलब क्या? फेस वैल्यू. मतलब इन्होंने कमिट किया था कि इश्यू तो हम 90 के रेट से करेंगे, लेकिन आप चिंता नहीं करना, जब हम पैसे आपको वापस करेंगे, जब रिडीम करेंगे, तो 100 यानी कि जो फेस वैल्यू है उतना ही पैसा वापस करेंगे. तो ठीक है जी, आओ ना हम उसकी एंट्री कर ले. रिडम्पशन के टाइम पे क्या होगा, मेरी बात ध्यान सुनना. रिडीमेबल कहता पार. जरा बताओ इसमें पार वैल्यू कितनी है? पार यानी कि फेस वैल्यू. सर 1 लाख. तो आप एक काम करना, ये जो 9% डिवेंचर है ना बच्चे, 9% डिवेंचर, ये पूरे 1 लाख से आप लायबिलिटी को वापस कीजिए, इसको खत्म करो. और ये पैसा कहना कि मुझे पे करना है किसको जी? तो टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट.
टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, अमाउंट कितना आपका हो गया 1 लाख। और मेरे बच्चे लास्ट एंट्री जो हमारी बनेगी ना, अगली एंट्री, अब हम इनका पेमेंट कर देंगे, तो इन नेक्स्ट एंट्री व्हाट विल डू, ये आपका डिवेंचर होल्डर अकाउंट आपको डेबिट करना है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट करना है और आपने कहना है टू बैंक अकाउंट। अब सुन लो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, ये 1 लाख से आपने क्या क्या एंट्री यहां पे कंप्लीट किया, तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। पहली एंट्री आपका इशू का, रिडम्पशन के टाइम पे वी हैव पास टू एंट्री, फर्स्ट वन फॉर मेकिंग ड्यू एंड द लास्ट वन फॉर मेकिंग आपका पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर। लीजिए हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, हमने पॉइंट नंबर सी भी खत्म किया, पॉइंट नंबर सी भी खत्म किया। आओ ना जरा देखते हैं कि पॉइंट नंबर डी में क्या बता रहा है, पॉइंट नंबर डी में क्या बता रहा है, पढ़ो जरा मेरे साथ क्या बता रहा है पॉइंट नंबर डी में, सुनना यहां पे आपको मजा आएगा कुछ और भी ज्यादा। कहता है कि इश्यू ऑफ 1,09% डिवेंचर्स एट पार, मत पढ़ो उसके आगे, ना 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 आगे नहीं पढ़ना अपने बच्चे, आप बस यहीं पे फोकस करो जितना मैंने पढ़ा। कहता कि इश्यू ऑफ 1,09% डिवेंचर्स एट पार, इशू पार पे हुआ है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इशू के टाइम पे जो एंट्री करूंगा उसमें पहली एंट्री मेरे बच्चे इशू एट पार, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और टू आपने कहा 9% डिवेंचर्स अकाउंट, टू आपने कहा 9% डिवेंचर अकाउंट, 1 लाख के डिवेंचर्स हैं, इश्यू भी हमने 1 लाख पे किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर आपका 1 लाख 1 लाख, पहली एंट्री हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई इश्यू के टाइम की। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर हाँ, हमें आ रही बात सर समझ में। तो चलो इश्यू की हमने पहली एंट्री किया, लेकिन ठहरो जरा आगे बढ़ने के पहले जरा आगे पढ़ो तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, जरा पढ़ो ना मेरे साथ आगे क्या बता रहा है। वो कह रहा है, सुनो सुनो ध्यान से, वो कह रहा है कि रीपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। दोबारा पढ़ूंगा पॉइंट नंबर डी स्टार्टिंग से एंड तक, इश्यू ऑफ 1,09% डिवेंचर्स एट पार, कहता है कि इश्यू तो पार पे हुआ है बट रीपेबल कहता है एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। मेरे बच्चे इश्यू पार पे, लेकिन जो रिपे करना है, रिडीम करना, वो कहता है कि 5% प्रीमियम पे। अब मेरी बात सुनना, आप बहुत अच्छे बच्चे मैं जानता हूं। देखो यहां कहता है कि 5% पे रिपे करना है, ये एग्रीमेंट पहले से मैं आपको बता चुका हूं। पहला पता क्या हुआ यहां पे, जब कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किया ना, यहां पे मान लो कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है, तो इन्होंने कहा कि देखो जी डिवेंचर्स जो मैं आपको इशू कर रहा हूं ना, वो तो 100 रुपए के हिसाब से है, मान लो 100 रुपए, लेकिन जब मैं ये पैसा आपको रिपे यानी कि वापस करूंगा तो 105 के रेट से, मतलब 5 रुपए ज्यादा पे करेंगे। मेरे बच्चे प्रीमियम जो है वी आर पेइंग एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, इशू के टाइम पे प्रीमियम नहीं, रिडम्पशन के टाइम पे। पता हमारा अकाउंट्स क्या बोलता है, अकाउंट्स क्या बोलता है, अगर आपने ठीक से 11वीं क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मेरे बच्चे, अकाउंट्स कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, बात कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का, वो कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई आपको लॉस होने वाला है और अगर आपका कंफर्म्ड है कि वो लॉस होने वाला है, अगर कंफर्म्ड है, ऑलमोस्ट कंफर्म है कि लॉस होने वाला है, तो आप उसकी एंट्री आज ही पास कर लेना। याद कीजिए आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, वो कहता है बच्चे कि फ्यूचर में कोई लॉस अगर होने वाला है और अगर आप उसका अनुमान एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो तो आप फ्यूचर का वेट नहीं करना, आज ही उसको रिकॉर्ड कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे आप बनाते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, मुझे पता है कि आगे कुछ पैसा डूब जाएगा, कितना डूब जाएगा नहीं पता, तो हम उसको आज एंट्री करते हैं ना बच्चे। उसी तरीके से कहता है अकाउंट्स कि अगर कोई फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं, तो आप उसकी आज एंट्री पास कर लें। लेकिन हां गेन का नहीं, लॉस की बात, गेन तब रिकॉर्ड होता है जब हमारा हो जाता है, जब गेन हमें हो जाता है। जरा सोचो ना कि अगर मान लो मैं 100 रुपए आपसे लेता हूं और कहता हूं जब रिपे करूंगा 105 रुपए, तो बताओ कंपनी को लॉस यहां पर कितना होना है, ₹5 का, क्या ये कंफर्म्ड है? हाँ सर कंफर्म्ड है, क्योंकि हमें हमने कमिट कर दिया है, हमें पे करना होगा। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा ना, इश्यू के टाइम पे ही एक एंट्री और पास करूंगा। ध्यान दीजिए ये एंट्री इश्यू के टाइम पे ही हो रहा है, क्योंकि अगर मुझे आज पता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उस लॉस की रिकॉर्डिंग हम आज ही करते हैं, ऐसा हमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है अकाउंट्स का आपका। तो देखो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, सुनना मेरी बात, मुझे बताओ मुझे एक प्रीमियम पे करना ना बच्चे रिडम्पशन के टाइम पे। सर हाँ प्रीमियम पे करना है, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो मैं बोलूंगा कि टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मेरे बच्चे रिडम्पशन के टाइम पे एक प्रीमियम पे करना है तो मेरी लायबिलिटी यहां बढ़ रही है।
अब जरा बताओ, इस लायबिलिटी के बढ़ने से मुझे घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है? सर हमें लॉस हो रहा है। तो मेरे बच्चे, मैं लॉस आज ही रिकॉग्नाइज करूंगा, आज यानी कि इश्यू के टाइम पे विल से लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये एंट्री आपका होता है। देखो ये एंट्री आप पहले से जानते भी होंगे मुझे पता है, लेकिन आपको मीनिंग शायद नहीं पता होगा, मैं मीनिंग समझा रहा हूं। इस एंट्री का मतलब है कि कंपनी ने कहा कि मेरे ऊपर में एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। ये वो लायबिलिटी है जो प्रीमियम पे करना है। लायबिलिटी, ये देखो लायबिलिटी का बढ़ना क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो लायबिलिटी को बढ़ा दिया। लेकिन इसके बदले में हमने कोई पैसा नहीं लिया है, इससे हमें एक लॉस होगा अगर मैं पे करूंगा तो लॉस मेरे बच्चे, लॉस एक्सपेंस के साथ क्या बोला था जी, बढ़ना डेबिट करेंगे। तो आपने एंट्री क्या बोला, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये इश्यू के टाइम पे ही लॉस रिकॉग्नाइज किया गया, इसलिए लॉस ऑन इश्यू लिखा गया, लॉस ऑन रिडेम्पशन मत लिखना, इश्यू के टाइम पे रिकॉग्नाइज हुआ है बस आपका यहाँ पे, ठीक है ना। कितना परसेंट प्रीमियम है सर? वो कहता है कि 5% आपका, तो 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 5000 का अमाउंट। मेरी बात सुन लो यहाँ पे आपका, हमने क्या किया, पहली एंट्री में बैंक टू डिवेंचर्स इशू का काम किया जी, नॉर्मल इशू की एंट्री की। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आपने कमिटमेंट टू रिफंड अमाउंट आपने प्रीमियम पे किया है, तो ये 100% श्योरिटी है कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन यू विल हैव सम लॉस, और वो लॉस क्योंकि आपका अकाउंट्स कहता है कि आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, इशू के टाइम पे उसकी एंट्री पास कर दी। आप प्लीज कॉपी करो, मुझे ना यहाँ मिटाना है, मुझे यहाँ पे कुछ और भी आपको समझाना है। मैं, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, सुनो मेरी बात। ये दो एंट्री हो गया। पता है कभी कभी या ज्यादातर क्या होता है, कहा जाता है कि आप चाहो तो ये दो एंट्री को क्लब कर सकते हो, आप चाहो तो क्लब कर सकते हो, जरूरी नहीं है। अगर अलग अलग दिखाओगे तो भी दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपका मार्क्स काट ले। लेकिन कई ऑथर जो है ना, इसको क्लब कर देते हैं। अब देखो क्लब करने की एंट्री क्या बन जाएगी, आपको आता है तो है क्लब करना, डेबिट वाली सारी बातें डेबिट में लिख दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट आपका हो गया 1 लाख का अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 1 लाख, और देखो डेबिट में क्या है, लॉस ऑन इश्यू। तो हमने यहां लिखा लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिटेड, आप लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपका, बट ये भी काफी है। एंड टू देखो यहां पे क्या लिखा, 9% डिवेंचर। कुछ नहीं कर रहा मेरे बच्चे, कुछ नहीं कर रहा, बस दोनों एंट्री को मैंने क्या किया, क्लब कर दिया। इसलिए क्योंकि कई सारी जगह ऐसी एंट्री दिख जाएंगे तो आप परेशान नहीं होना, इसका मीनिंग सेम निकल के आता है। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डेबिट वाली बातें हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दी, क्रेडिट वाली बातें क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दी, तो एंट्री हमारा एक ही बन गया। आपकी मर्जी है, एग्जाम में दो एंट्री पास कर लो चाहे इकट्ठा, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है आपका। सर एग्जाम में कौन सा करे, कहां ना बच्चे, कोई भी कर सकते हैं। किसी भी दुनिया, इस दुनिया में, दुनिया के किसी भी ग्रह के किसी आदमी को इतनी ताकत नहीं है कि आपका आधा नंबर भी काट लेगा। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, ठीक है सर, फिर हम कोई भी कर लेंगे। सर दोनों कर लेंगे, दोनों क्यों करेगा बदमाश, अरे दोनों क्यों करेगा, कोई एक करो ना, समय थोड़ी इतना होता है एग्जाम में, ये भी करके दिखाऊं वो भी, इसी में सारा समय थोड़ा गुजार देना है, कोई भी एक कर लेना। अच्छा आप जरा आ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ रिडम्पशन के टाइम का, आओ जरा मैं बात कर रहा हूँ रिडम्पशन के टाइम पे। आप यहाँ पे थर्ड एंट्री मेरे साथ पास करेंगे, थर्ड एंट्री सुनो जरा रिडम्पशन के टाइम पे क्या होने वाला है, आपने क्या करना है रिडम्पशन के टाइम पे, जो भी कुछ पे करने का आपने कमिटमेंट किया है, ये देखो एक तो हमें ये पैसा वापस करना है जी, और ये भी जो लायबिलिटी थी वो भी वापस करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों लायबिलिटी को मैं हटाऊंगा, यानी कि 9% डिवेंचर अकाउंट को आप डेबिट करें, अकाउंट को डेबिट करें कितने से, सर 1 लाख से। अच्छा बताओ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, आप इस नाम को भी डेबिट करें, जरा बताओ ये लायबिलिटी भी कितने से, 5, दोनों लायबिलिटी मेरी खत्म हो रही है बच्चे, क्योंकि ये भी पैसा वापस कर रहा हूँ, ये भी वापस कर रहा हूँ, और ये सारा पैसा जरा बताओ मुझे किसको देना है, सर 2 डिवेंचर होल्डर को। तो लिखो ना यहाँ पे 2 डिवेंचर होल्डर अकाउंट, 1 लाख 5000। अगली एंट्री में हमें क्या करना है, अगली एंट्री में हम इनका पेमेंट करेंगे, तो हमें यहाँ पे डिवेंचर होल्डर अकाउंट आप यहां डेबिट करेंगे 1 लाख 5000, और लो सॉरी ज्यादा लिख दिया 1 लाख 5000, एक्साइटमेंट है ना बच्चे, इसलिए ज्यादा चला जा रहा है, अदरवाइज आराम से करो तो थोड़े ज्यादा जाएगा,
टू बैंक अकाउंट। पता नहीं आज कितनी सारी बातें मुझे आपको समझाने का मन कर रहा है, सच्ची बता रहा हूं, आज बहुत कुछ बातें आपको समझाने का मन कर रहा है, गला बैठा हुआ बच्चे, फिर भी मन कर रहा है कि बहुत सारी बातें आपको एक बार में ही समझा दूं। ठीक है सर, हम समझेंगे सर, बताओ आगे क्या बताना है। कुछ नहीं, इशू की एंट्री हो गई, रिडेम्पशन के टाइम पे जो भी कुछ हमें पे करना उस लायबिलिटी को हमने हटा दिया और डिवेंचर होल्डर की लायबिलिटी बढ़ा दिया, अगली एंट्री में उनका भी पेमेंट कर दिया, काम खत्म। सर नरेशन नहीं लिखना, लिख सकते हो बट कोई जरूरी नहीं है, नरेशन तभी लिखते हैं जब क्वेश्चन बोलेगा, ऐसे समय क्यों बात करेंगे। चलो इसका नरेशन दिखा देता हूं, लिख दो ताकि आपको रिविजन में दिक्कत ना हो। बींग प्रीमियम प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, पेबल ऑन रिडेम्पशन, आप तो कुछ भी लिख सकते हो, नरेशन क्या फर्क पड़ता है, एंट्री को ही तो समझाते नरेशन में। हाँ बस गाली मत लिखना, गाली लिखोगे तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा बच्चे, आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गाली मत लिखना, ये नरेशन का मतलब होता है। ये लो मैंने इसको हटा दिया और हमारा ये भी पॉइंट खत्म हुआ, डी भी खत्म हो गया, डी भी खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ ईव के पास, लास्ट है इसके अंदर में, आप चेक करना लास्ट केस है, इसके बाद कोई केस बनता नहीं है। तो पॉइंट नंबर ई में जरा आते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है यहाँ पे। पॉइंट नंबर ई में ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, जहां बोलूंगा रुक जा वहां पर रुक जाना। कहता है कि इश्यू ऑफ 1,09% डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, स्टॉप, नहीं पढ़ना इसके आगे, नहीं पढ़ना हमने इसके आगे। वो कहता है कि 1,00,000 के डिवेंचर्स आपने इश्यू किया है और कहता है कि 5% के डिस्काउंट पे। मेरे बच्चे बताओ ना, अगर डिवेंचर्स इश्यू किया है हमने, मैं इश्यू की एंट्री आपको दिखा रहा हूं, मैं इश्यू की एंट्री दिखा रहा हूं, पहली एंट्री, जरा जल्दी से पढ़ के बताओ इश्यू किस चीज पे हुआ है। सर डिस्काउंट पे, बताओ ना रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है। सर रेट ऑफ डिस्काउंट 5% है, तो मैं बस एंट्री करता हूं, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। फिर आप लिखेंगे जी डिस्काउंट पे आपने इश्यू किया है, तो आप यहां पे डिस्काउंट ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट आपने डेबिट किया एंड टू आपने कहा 9% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर्स जब इश्यू होगा डिस्काउंट पे तो हमारा डिस्काउंट एक्सपेंस से बढ़ना डेबिट होगा, 1,00,000 के डिवेंचर्स हैं। जरा बताओ बैंक में कितना आ गया, सिर्फ 5% डिस्काउंट काटने के बाद यानी कि 95,000, तो बताओ डिस्काउंट ऑन इशू का अमाउंट कितना हो गया, सिर्फ 5,000। लो हमने इशू की एंट्री कर दी, लेकिन लेकिन मेरे बच्चे यहां पे और भी कुछ आगे बोल रहा है, पढ़ो ना क्या बता रहा है। वो कहता है कि रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 5%, दोबारा पढ़ना पूरा क्वेश्चन, इश्यू ऑफ 1,09% डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। सुनने मेरी बात, इश्यू तो आपका डिस्काउंट पे हुआ है, इश्यू तो आपका डिस्काउंट पे हुआ है, लेकिन जो रिडीम होना है वो कहता है कि 5% प्रीमियम पे रिडीम। मेरे बच्चे फिर से बात आ गई कि रिडीम जो होगा 5% प्रीमियम, यानी कि फ्यूचर में जब ज्यादा पे करने का कमिटमेंट करोगे फेस वैल्यू से ज्यादा, तो मेरे बच्चे आपको लॉस पक्का होने वाला है, यानी कि मेरी एक एंट्री यहां फिर से बनने वाली है जी। देखो मैं क्या बोलूंगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये लायबिलिटी हमारे ऊपर बढ़ रहा है क्योंकि ये भी अब मुझे पे करना पड़ेगा, कितना परसेंट है 5%। पर बच्चे डिस्काउंट प्रीमियम का जो भी रेट होगा हमेशा आपको फेस वैल्यू पे निकालना है, अभी नोट लिखाऊंगा। तो आपने क्या बोला, 1,00,000 का 5% कितना हो गया, 5,000। और आपने क्या करना जी, इसको लिखा आपने यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू। मैंने अभी समझाया था पिछले वाले में कि जब भी आपने कमिट ज्यादा किया है वापस करने का फेस वैल्यू से ज्यादा, तो उस टाइम पे आपको लॉस को इश्यू के टाइम पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये 5,000 का अमाउंट आ गया। ये दो एंट्री हमने पास किया मेरे बच्चे इश्यू के टाइम पे, मैं इनको मिटा दूं क्या, इनको मैं मिटा देता हूं, यहां पे मुझे जगह थोड़ा सा चाहिए। तो हमने इश्यू के टाइम पे दो एंट्री यहां पे पास किया। सर इसको क्लब कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं वहां ध्यान नहीं लगाऊंगा, मुझे अभी क्या करना है, मुझे बाकी एंट्रीज को देखना। अभी आओ चला रिडेम्पशन के टाइम पे, रिडेम्पशन के टाइम पे क्या निकल के आएगा, थर्ड यहां पे जरा बताओ रिडेम्पशन के टाइम पे मुझे क्या क्या पे करना है जी। सर एक तो ये 1,00,000 का पेमेंट करना है और सर ये 5,000 का पेमेंट करना है। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, ये जो 9% डिवेंचर जो आपका है ना, 9% डिवेंचर, इसको डेबिट करूंगा पूरे 1,00,000 रुपीज से, 1,00,000 से। फिर जो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, मैं इसको भी यहां से क्या करूंगा, डेबिट करूंगा आपका कितने से जी, 5,000 से। बताओ जरा ये सारा पेमेंट हमें किसको करना है, सर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट,
टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ये अमाउंट कितना हो गया आपका 1,05,000 का, 1,05,000 का। कोई डाउट इसके अंदर में? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब चौथी एंट्री में आओ ना, हम इनका पेमेंट कर देते हैं। तो अगर मैं इनका पेमेंट करूंगा, विल डेबिट डिवेंचर होल्डर अकाउंट, हम इससे डेबिट करेंगे 1,05,000, और हमने क्योंकि इनका पेमेंट कर दिया तो विल राइट टू बैंक अकाउंट आपका, टू बैंक अकाउंट। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? सर हाँ जी सर, आई बात समझ में। एक काम करो, कुछ आगे बढ़ूं उसके पहले ना एक नोट यहां लिख दो जो आगे आपको फायदा होगा। कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, क्वेश्चन में जो डिस्काउंट का परसेंटेज होगा ऑब्लिक प्रीमियम, प्रीमियम का जो परसेंटेज होगा कोई भी, कहता है is always applied on face value of debentures। मतलब बच्चे debentures का जो face value होगा, face value का मतलब क्या होता है जी? That is par value, है ना बच्चे? par value कह दे, face value कह दे, दोनों का meaning same आपका है। आप हमेशा discount या premium उसी पर apply करेंगे। इसको आप box में डाल दो, ये note आपके लिए है, ये examiner को थोड़े ही दिखाना है। आप देख रहे थे discount का rate था वो भी मैंने इस पर apply किया था, premium का rate था वो भी इसी पर apply किया था। हमेशा इस पर मत कर देना, face value पर हमेशा apply करते हैं। सर ठीक है, बताओ सर क्या? सर एक बात बताओ ना, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर ये दो एंट्री को क्लब करें तो कैसे कर सकते हैं? आओ मैं आपको बताता हूं दोनों एंट्री कैसे क्लब होगा। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, लिखो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट हो गया 95,000। समझो ना, आपको अच्छा लगेगा, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको अच्छा लगेगा। देखो जो डिस्काउंट होते हैं मेरे बच्चे, डिस्काउंट जो होते हैं वो भी एक तरीके के लॉस ही तो होते हैं। बताओ ना, अगर मैं कहता हूं कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट वो एक तरीके के लॉस ही तो है, तो गलत बोल रहा हूं क्या? अरे मैंने किसी को डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट किसी को दे दिया, वो लॉस ही तो हो गया बच्चे। कुछ पाप तो नहीं कर रहा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं? अगर मैंने किसी को डिस्काउंट दिया वो लॉस ही तो होगा सर। हाँ अच्छा बताओ, क्या जितने सारे लॉसेज होते हैं क्या वो सारे डिस्काउंट होते हैं? जरा बताओ कौन सा ट्रू है, डिस्काउंट जो है वो लॉस हो सकता है? क्या लॉस को कभी डिस्काउंट कह सकते हो? लॉस को डिस्काउंट, ये ना 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 ना। अरे किसी के घर में आग लगी और बेचारा सब कुछ उसका खत्म हो गया और हम चिल्ला रहे डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट, गंदा लग रहा ना बच्चे? बोलो ना, गंदा लग रहा है ना? लॉसेज डिस्काउंट नहीं होते। हाँ डिस्काउंट जो है वो लॉसेज होते हैं। डिस्काउंट दे दिया, एक तरीके से हमें लॉस हो गया। पता मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलना क्या चाहता हूं, जब एंट्री एक क्लब होगी ना तो डिस्काउंट एंड लॉस दोनों इकट्ठा हो जाएगा और दोनों मिलकर हम यहां पे बोलेंगे लॉस ऑन इश्यू, क्योंकि दोनों इश्यू के टाइम पे ही है। आप देख सकते हो ये भी इश्यू के टाइम पे, ये भी इश्यू के टाइम पे, तो 5 और 5 कितना हो गया आपका 10,000 का अमाउंट। टू जरा बताओ आप यहां पे क्या लिखेंगे, 9% डिवेंचर अकाउंट, आप लिखेंगे टू 9% डिवेंचर अकाउंट। बताओ जरा ये अमाउंट कितना है? सर 1,00,000 का। अच्छा जरा बताओ ना यहां प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट में कितना लिखा हुआ है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये आपका अमाउंट हो गया कितना जी? 5,000 का। लीजिए हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अगर आपको दो एंट्री करने का मन कर रहा है ऐसे कर लो, क्लब करना इस तरीके से कर लो। एक बात का सिर्फ ध्यान रखना, अगर एंट्री क्लब करेंगे तो डिस्काउंट एंड लॉस को अलग अलग नहीं दिखाएंगे। कुछ लोग ऐसे, गलत नहीं है लेकिन कुछ लोग वहां पे मार्क्स काट लेते हैं, इसलिए एंट्री जब क्लब करना होगा तो डिस्काउंट का अमाउंट जो है वो भी क्या करें आप लॉस में मिला दीजिए। आई बात समझ में? तो एंट्री आपकी इस तरीके से बन जाएगी। कोई डाउट? नहीं सर। तो मैं ना अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो नोट दिया ना बच्चे, ये नोट नंबर 1 था आपका, नोट नंबर 1 था। अब लिखो जरा मेरे साथ नोट नंबर 2, मैं इसको मिटाऊं और थोड़ा समराइज करूं कि मैंने आपको क्या समझाया और फिर आगे के क्वेश्चन की बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। लिखो जरा मेरे साथ यहां पे नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखना, नोट नंबर 2। कहते हैं कि डिवेंचर्स, डिवेंचर्स कैन बी इशूड, कैन बी इशूड, डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट एट नंबर 1 पार, पार मतलब फेस वैल्यू, नंबर 2 प्रीमियम यानी कि हमने कुछ आपसे ज्यादा लेना है जी, या फिर नंबर 3 डिस्काउंट। मेरे बच्चे डिवेंचर्स जो है दे कैन बी इशूड इधर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, लेकिन लिखना इसी में बट, बट इसी पॉइंट में
डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड यानी कि अगर उनका पैसा वापस करना चाहते हैं तो रिडीम्ड ओनली एट नंबर वन, या तो पार पे या हमारे बच्चे प्रीमियम पे। अगर आप डिवेंचर्स को रिडीम करना चाहते हो, उनका पैसा वापस करना चाहते हो, तो या तो पार पे वापस करोगे, प्रीमियम पे वापस करोगे, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता। समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे 100 रुपया दो, जब मैं आपको वापस करूंगा तो 98 वापस करूंगा, बताओ जरा। मैं स्टार्टिंग में कह दूं कि आप मुझे 100 दो, जब मैं पैसे आपको वापस करूंगा तो 98 वापस करूंगा, क्या कोई मुझे पैसा देगा बच्चे? बोलो ना, देगा पैसा? नहीं देगा सर, नहीं देगा, वो मना कर देगा। इसलिए रिडम्पशन जो है वो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे, लेकिन डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। लेकिन पता है एग्जाम में कभी कभी, ये तो मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल ऐसा होता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी देखा गया है बच्चे कि वो थोड़ा सा आपके साथ गेम खेलता है और रिडम्पशन की जो बात है ना वो आपका डिस्काउंट पे कह देता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में नहीं होना चाहिए। रिडम्पशन प्रैक्टिकली इट्स पॉसिबल ओनली ऑन पार और एट प्रीमियम, इट्स नॉट पॉसिबल एट डिस्काउंट एट ऑल। प्रैक्टिकली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकली, बट इन एग्जाम इन बुक समटाइम्स वी फाइंड कि यहां पे रिडम्पशन जो होता है वो डिस्काउंट पे कह देता है। तो आज जरा मैं आपको दिखाऊं वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा और फिर मैं आपको समझाता हूं। मेरा काम समझाना है, मैं आपको हर एक तरीके की एंट्री समझाऊंगा, क्योंकि अभी हम रियल लाइफ में थोड़ा ही हैं, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, ये मत कहना कि नहीं आया है, आया भी। मैं अभी दिखाऊंगा मेरी बुक में वो क्वेश्चन आया भी है, CA CMA CS BCOM 11th 12th कहां की बात करूं, कहीं भी आप देखेगा वो क्वेश्चन निकल जाएगा। लेकिन जरा समझते हैं क्या। तो पहले आपका यहां पे आई जरा इस नोट के बाद लिखिए मेरे साथ यहां पे एग्जाम्पल नंबर वन लिखो जरा यहां पे क्या बता रहा है। एग्जाम्पल नंबर वन कहता है कि एक्स लिमिटेड, लिखिए मेरे साथ, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, एक्स लिमिटेड इशूड कहता है कि 12% डिवेंचर्स। इस पर डिवेंचर्स का आपको नंबर बता रहा बच्चे, 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच कहता है कि एट पार लिखो यहां पे एट पार, बट रिडीमेबल एट डिस्काउंट ऑफ कहता है यहां पे मान लो 5% डिस्काउंट ऑफ 5% कहता है कि एक सिलिंडर ने 5012% डिवेंचर 100 रुपए वाले इश्यू किए हैं एट पार, लेकिन रिडीम करना है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। बोलता बताओ आप इसकी एंट्रीज क्या पास करोगे। तो सुनो ध्यान से यहां पे सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, आप जरा सुनो यहां पे ध्यान से सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, आपको बहुत ध्यान से मेरी बातें सुननी है। पहले ना आप एक काम करो, इशू के टाइम की एंट्री करो। जब हम इशू की एंट्री करते हैं वी नेवर थिंक अबाउट रिडम्पशन। तो देखो इशू जो हुआ है बच्चे वो एट पार कहता है, यानी कि एंट्री आपका बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू आप लिखेंगे यहां पे 12% डिवेंचर्स अकाउंट, आप लिखेंगे यहां पे टू 12% डिवेंचर अकाउंट। मुझे बताओ 5000 हमने डिवेंचर्स इश्यू किया है और एक डिवेंचर यानी कि एक जो कागज है अगर वो 100 रुपीज की वैल्यू का बता रहे तो डिवेंचर्स कितने के हो गए? 5 लैक्स के। 5 लैक्स मेरे बच्चे पब्लिक को हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं 5 लाख रुपीज के, और कहता है कि इशूड एट पार यानी कि बैंक में भी कितना आया होगा? 5 लैक्स का अमाउंट। ये इशू के टाइम की पहली एंट्री हो गई। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे जब भी इशू के टाइम की एंट्री करता हूं तो मुझे रिडम्पशन किस चीज पे होता है ये हमें सोचना पड़ता है बच्चे, क्योंकि आप देख रहे थे कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तो मुझे इशू के टाइम पे एक एंट्री पास करनी पड़ रही थी। देख रहे थे आप यहां पे सर? हाँ, तो आप सुनो ध्यान से, बैंक टू डिवेंचर अकाउंट समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां पे आपका रिडम्पशन डिस्काउंट पे होगा तो फिर क्या करेंगे, मुझे बताओ। अगर रिडम्पशन डिस्काउंट पे होगा, ऐसे
प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको चिंता नहीं करना। जरा बताओ, अगर रिडम्पशन यहाँ पे आपका डिस्काउंट पे होता है तो बताओ फ्यूचर में कंपनी को फायदा होगा कि घाटा होगा, बस इतना बताओ। रिडम्पशन अगर डिस्काउंट पे होता है तो बताओ कंपनी को फ्यूचर में, यानी कि जब रिडम्पशन होगा तो फायदा होगा कि घाटा होगा? सर कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि 100 रुपीज हमने आज आपसे लिए हैं, लेकिन जब वापस करूंगा तो 95 वापस करूंगा, मेरे बच्चे कंपनी को 5 रुपीज का यहां पे फायदा होगा। फायदा होगा, क्या वो फायदा आज होगा? क्या वो फायदा आज होगा? नहीं सर, आज नहीं होगा, वो तो तब होगा जब आपका फ्यूचर आएगा, जब पेमेंट करने की बारी आएगी। अकाउंट्स कहता है अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसकी तो एंट्री आज पास कर लो, लेकिन फायदे जो होने वाले हैं उनकी एंट्री आज पास नहीं करना। फायदा तब रिकॉर्ड होता है जब हमें हो जाता है। मेरे बच्चे, मेरा सिर्फ ये कहना कि इश्यू के टाइम पे मुझे पता है कि रिडम्पशन के टाइम पे मुझे एक फायदा होगा, लेकिन वो फायदा आज अकाउंट्स रिकॉर्ड करने से मना करता है, तो वी डू नॉट पास एनी अदर एंट्री एक्सेप्ट दिस वन। इस एंट्री को छोड़ के दूसरा कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। हाँ, जब बारी आएगी रिडम्पशन की, जब बारी आएगी रिडम्पशन की, तो नंबर 2 में जरा सुनना ध्यान से क्या करूंगा मैं, इस लायबिलिटी को हटाऊंगा। ये 12% जो आपका डिवेंचर है, ये 12% जो आपका डिवेंचर है, मेरे बच्चे आप इस लायबिलिटी को हटा दो ना, ये 5 लाख से आपने इसको हटा दिया। बोलो जरा, इसके बदले में अब मुझे डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना है? जरा बताओ कितना पे करना है? सर ये कहता है कि 5% डिस्काउंट पे, तो इसका 5% से 25,000 हो गया। अगर मैं उसको हटा दूं तो मुझे सर 4,75,000 का पेमेंट करना है। मतलब बच्चे लायबिलिटी जो है वो 5 लाख से खत्म हो गई, और इसके बदले में डिवेंचर होल्डर को मुझे कितना पे करना? 4,75। बताओ जरा मुझे, यानी कि कंपनी को कितने का फायदा हो रहा है? सर 25,000 का। आज रिकॉर्ड करूंगा बच्चे, क्योंकि दिस इज डेट ऑफ रिडम्पशन। और पता है अकाउंट्स क्या बोलता है, ध्यान सुनना, शेयर्स के ऊपर में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के ऊपर में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के ऊपर में, या फिक्स्ड एसेट्स पे कुछ फायदे होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, तो मेरे बच्चे वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। सुना मैंने क्या बताया, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे डिवेंचर हो गया, या फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स पर अगर कोई फायदा होता है तो वो फायदा आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। और अकाउंट्स में मेरे बच्चे जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, दे ऑल आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सुना मेरी बात सर? हाँ जी, कैपिटल रिजर्व। तो आप इसको क्या करेंगे, हम ये एंट्री को ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमने ये 25,000 वहां ट्रांसफर कर दिया, ये प्रॉफिट मेरे बच्चे हो गया कैंसिलेशन पे आपका। सर एंट्री को कुछ और कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बस यही करना है कि 5 लाख की लायबिलिटी हटाओ, 475 मुझे आपको पे करना है, इतना मुझे फायदा हो गया, फायदा भी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस आओ ना तीसरी एंट्री, अब काम करते हैं, अब हम इनका पेमेंट करते हैं। जरा इस एंट्री को देख के बताओ डिवेंचर होल्डर को हमें कितना पे करना है? 475। तो मैंने क्या किया, यहां पे डिवेंचर होल्डर की जो लायबिलिटी है मैं इसको डेबिट करूंगा 475 से, और हमने इनका पेमेंट कर दिया मेरे बच्चे, यानी कि वी लाइक टू बैंक अकाउंट 4,75,000। लीजिए हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, हमने पेमेंट करने की एंट्री कंप्लीट कर दी, पेमेंट करने की एंट्री कंप्लीट हो गई। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बता रहा हूं? अरे मेरी बात समझ में आ रही क्या बता रहे हैं? सर हाँ सर हाँ, चिल्लाओ मत सर, गला और आपका खराब हो जाएगा। हमारा कुछ नहीं जाएगा सर, आपका ही गला खराब हो जाएगा, हो जाने दो। आज तो बस मैं रुकने वाला नहीं, मुझे तो इतनी सारी बातें समझाने की मन कर रहा है ना इसमें कि मैं क्या बताऊं। आपके दिमाग में जितने सारे कीड़े थे पहले के, वो सब मैं खत्म करना चाहता हूँ, सब खत्म करना चाहता हूँ। अरे हाँ, मुझे यहाँ पे एक नोट और भी लिखाना है, आप जरा लिखो यहाँ पे मेरे साथ एक नोट, यहाँ पे नंबर 1। जरा बताओ इस क्वेश्चन में डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना बताया था? सर 100। डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना बताया था? 100। अगर किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं बताता कि डिवेंचर के फेस वैल्यू कितने के हैं, उसने कह दिया कि भैया बस हमने क्या किया 5,000 डिवेंचर्स इश्यू किया है, लेकिन एक कितने का है आपको नहीं बताता, तो मेरे बच्चे आप याद रखना, पूरे अकाउंटेंसी में जो इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज होते हैं,
इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी का मतलब जिस पे इंटरेस्ट मिलता है, जैसे डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, तो इनकी फेस वैल्यू हमेशा हम 100 रुपए का अज्यूम करेंगे। वी ऑलवेज अज्यूम कि फेस वैल्यू आपका 100 रुपीज का है। सुन मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं? सर हां सर हां। तो इसी को ले लो नोट के रूप में, मैं लिखा दूं यहां पे, इफ फेस वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, में इसी मैंने किसी भी इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज का मतलब होता है जिसपे हमें इंटरेस्ट देना है आगे ब्रैकेट में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका डिवेंचर हो गया, जैसे कि आपका बॉन्ड्स हो गया एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज लिखना। इफ फेस वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपको नहीं बताता, कॉमा, वी ऑलवेज एज्यूम दैट फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100। याद रखना, इन होल अकाउंटेंसी, जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तब तक ये आपका एजम्पशन चलेगा, इसी एजम्पशन पे क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी लेवल के एग्जाम का। आई बात समझ में? सर हाँ, एक बात और बता दूं, ऐसे इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं बनता, बट फिर भी मेरे बच्चे, अगर शेयर्स का, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, अगर उनका फेस वैल्यू आपको नहीं बताया तो हमेशा ₹10 का माना जाता है। मैं शेयर्स वाले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, बट वहां पे ₹10 का माना जाता है, क्योंकि शेयर्स जो मेरे होते हैं ना बच्चे, जो शेयर्स होते हैं वो जनरली हमारी कंट्री में ₹10 का इशू किया जाता है। इंटरेस्ट बेयरिंग ₹100 का, वो ₹10 का। आई बात समझ में? सर हाँ, आप इसकी कॉपी कर लो ये भी नोट, और मैं इसको मिटाता हूँ। लो, मैं इसको मिटाता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। आज तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है, आज मुझे मन कर रहा बस आपको समझाते जाऊं। ये चैप्टर बहुत गहरा बचे, इसमें मजा तब आपको ज्यादा आएगा जब मैं रिडम्पशन के अंदर आऊंगा। वहां तो जितनी बातें हम लोग समझ सकते हैं आसानी से, उतना दुनिया का कोई भी बच्चा नहीं समझ सकता, मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूं। आप चाहो तो एक चिट्ठी लिख देना, मैं उसमें साइन कर दूंगा, और उस चिट्ठी को अपने पास रखना, किसी बच्चे से पूछना कि क्या आपसे ज्यादा नॉलेज यहां पे है, अगर वो कह देगा तो मैं उस चिट्ठी के बदले में आपको ₹5,00,000 देने को तैयार हूं। सर सच बोल रहे हो? नहीं बच्चे, ऐसे ही बोल रहा हूं, फेंकता हूं, ऐसे कैसे हो जाएगा, ₹5,00,000 दे दूंगा। हाँ, हो सकता है कोई बच्चा और अच्छी तरीके से पढ़ाई किया हो। ओहो ठीक है सर, बोलो अब क्या करना है। सेवन क्वेश्चन, क्या मस्ट क्वेश्चन है ये। CA इंटर में 2000 में, आज से 16-17 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद तो ऐसा क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्जाम देख लो, सब में रिपीट किया बच्चे, सब में, छोटे से छोटे बड़े से बड़े तक में। एक बार देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सुनना ध्यान से, अच्छा लगेगा। सेवन क्वेश्चन पढ़ो जरा। पास जनरल एंट्रीज, पढ़ रहे मेरे साथ, सेवन्थ क्वेश्चन कहता है कि पास जनरल एंट्रीज इन ईयर वन। क्या मतलब होता है ईयर वन का, यानी कि स्टार्टिंग में मेरे बच्चे, स्टार्टिंग में सिर्फ इश्यू के टाइम की एंट्री पूछ रहा है, क्योंकि रिडम्पशन ईयर वन में नहीं होता, वो तो एंड में होता है। कोई बात नहीं, हम इश्यू भी सीख लेंगे, रिडम्पशन भी सीख लेंगे, कुछ पाप थोड़ी हो जाएगा। कहता है कि पास एंट्रीज इन द ईयर वन इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बाय ABC कंपनी लिमिटेड। वो कह रहा है इश्यूड ₹1,00,000 मेरे बच्चे, अमाउंट बता रहा है, नंबर नहीं बता रहा है, ₹1,00,000 11% डिवेंचर्स एट 95%। कहता है कि इश्यू जो हुआ है वो एट 95% पे, यानी कि 5% डिस्काउंट पे। रिडीमेबल कहता है एट द एंड ऑफ 10 years, 10 साल के बाद रिडीम करना है। पहले वाले केस में कहता है एट 102%। स्लो, यहां देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां देखो मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या निकल के आया जरा बताओ। इशू कहता है, यहां कहता है, आप मत लिखना, मैं लिख रहा हूं, इशू कहता है कि 95% पे, यानी कि 5% डिस्काउंट पे, और कहता है कि जब रिपे यानी कि रिडीम किया जाएगा तो कहता है कि एट 102 का मतलब 2% ज्यादा, यानी कि रिडम्पशन जो है आपका 2% प्रीमियम पे आपका हो रहा है। ऐसा केस नंबर आपको 1 कह रहा है, लेकिन मेरे बच्चे केस नंबर 2 में इशू तो आपका 5% डिस्काउंट पे ही हो रहा है, क्योंकि वो कॉमन है। लेकिन पढ़ो जरा रिडम्पशन के बारे में क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा रिडम्पशन के बारे में। वो कह रहा है कि केस नंबर 2 में रिडम्पशन जो होगा एट 98%,
बच्चे यानी कि 2% डिस्काउंट हो गया। 98% का मतलब क्या हो गया जी, 2% डिस्काउंट हो गया। देखो जरा उसने क्या क्या कह दिया कि रिडम्पशन आपका डिस्काउंट पे होता है। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आए भी हैं, इसलिए आपको संभल के रहना है। तो आओ जरा मैं आपको बताऊं यहां पे एंट्रीज कैसे पास होगी। पहले मैं काम करता हूं 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन में, आपको केस नंबर 1 करा रहा हूं, केस नंबर 1, और एंट्री आपको पहले मैं दिखा रहा हूं इशू के टाइम का, इशू के टाइम का नंबर ए एंट्री लिखिए, इशू के टाइम का। जरा देखो ना, कहता है कि आपने जो डिवेंचर्स इशू किया है वो 1 लाख का है, लेकिन 5% डिस्काउंट पे, इशू के टाइम पे सोचना बस। तो बताओ एंट्री क्या बन जाएगा? सर बैंक अकाउंट डेबिटेड, इशू सर डिस्काउंट पे हुआ है, तो यहां पे डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड एंड टू आपने यहां पे क्या निकल के आ रहा जी, 11% डिवेंचर अकाउंट। हमने इशू डिस्काउंट पे किया था ना बच्चे, तो हमने क्या किया, इशू के एंट्री दिखाई। ये कहता है कि जो डिवेंचर्स इशू किए गए हैं वो 1 लाख रुपीज के हैं, लिखा हमने 1 लाख। कहता है कि 5% डिस्काउंट पे, 1 लाख का 5% मेरे बच्चे 5000 आपका हो जाएगा, तो बैंक में वी आर रिसीविंग 95000, बैंक में 95 आ गया, 5 का डिस्काउंट हो गया टू डिवेंचर अकाउंट 1 लाख अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, इशू के टाइम पे पहली एंट्री। लेकिन जरा चेक करो ना, क्या रिडम्पशन पार वैल्यू से ज्यादा पे हो रहा है? सर हाँ, प्रीमियम पे। तो आप जानते हैं कि इशू के टाइम पे एक एंट्री हम और पास करेंगे मेरे बच्चे, एंट्री बनता है लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू अकाउंट आप यहां डेबिट करेंगे एंड टू आप कहेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। याद है ना, ये सारी बातें समझा चुका हूं, बार बार समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हमने लिखा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बताओ ना ये 2% प्रीमियम, 2% कितने का निकालूंगा, 95 का कि 1 लाख का? सर आपने नोट लिखाया था जो भी पार प्रीमियम निकालना है वो हमेशा फेस वैल्यू पे, तो 1 लाख का 2% मेरे बच्चे 2000 का अमाउंट आपका हो जाएगा। लिखो यहां पे, ये एंट्री हो गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ने सिर्फ और सिर्फ इशू की एंट्री पूछी थी, तो मैंने इशू की एंट्री कर दी। हां, अगर मुझे इसको क्लब करने का मन करता है, अगर मुझे क्लब करने का मन करता है, तो बताओ एंट्री कैसे क्लब होगा? सिर्फ बैंक अकाउंट आप यहां पे डेबिट करेंगे 95000 से, ठीक है। अच्छा बताओ डिस्काउंट एंड लॉस दोनों को क्लब कर दो? सर करना ही करना है। और जरा बताओ यहां डिस्काउंट लिखो कि लॉस लिखो? सर अब हमें शर्मिंदा ना करो सर, यहां पे सर डिस्काउंट थोड़े ही आएगा, डिस्काउंट लॉसेज होते, लॉस डिस्काउंट नहीं होता, तो लॉस लिखेंगे। और 5 + 2 टोटल कितना हो गया, 7000 का अमाउंट। टू आपने क्या बोला यहां पे जी, 11% डिवेंचर अकाउंट, 11% डिवेंचर अकाउंट, ये कितने का अमाउंट बता रहा आपका सर, इस 1 लाख रुपीज लिखो यहां पे। एंड टू आपने कहा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो आप यहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बताओ जरा ये अमाउंट आपका कितना निकल के आता है? सर इट्स 2000 का अमाउंट, 2000। एंट्री हैज बीन कंप्लीटेड, एंट्री कंप्लीट हो चुका मेरे बच्चे। एग्जाम में तो सिर्फ यही पूछ रहा है, लेकिन हम अपने आप को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आपको मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं, अपने आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बुड्ढा हो चुका हूं, आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। मैं रिडम्पशन के टाइम की भी एंट्री कर देता हूं, पूछ नहीं रहा बट कर देता हूं, क्या जाता है। आइए आप अपनी सारी लाइबिलिटी को हटाएं, तो ये जो 11% डिवेंचर है आप इसको हटाएंगे, ये अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख। फिर आप ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है आप इसको भी हटाएंगे और आप इसको डेबिट करेंगे, अमाउंट कितना है, 2000। जरा बताओ ये सारा पेमेंट हमें किससे करना है? सर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट को, लिखो यहां पे टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, 1 लाख 2000, 1,02,000 रुपए। इसके बाद मेरी बात सुनना, डी पॉइंट में आप क्या करेंगे, नाउ विल पे द अमाउंट टू डिवेंचर होल्डर, तो विल डेबिट डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 1,02,000, और पे कर दिया ना तो लिख दो टू बैंक अकाउंट 1,02,000। क्वेश्चन खत्म हो गया, नंबर ए, केस ए खत्म हो गया बच्चे, केस बी अभी बाकी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको समझा ही क्यों रहा हूं, मैं क्यों समझा रहा हूं, आप सब कुछ तो जानते हो। इससे मिटा दूं मैं ये पार्ट, ये तो हो चुका होगा।
नहीं हुआ तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो मेरी क्लास को, फिर आप लिख देना पूरा, बट मैं रुक नहीं सकता, मुझे ना क्लास में चुप रहना आता ही नहीं बच्चे, मैं क्या करूँ। पता है जो लाइव क्लासेज हमारी होती हैं उसमें हम लोगों का जितना मेहनत लगता है उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत इसमें लगता है। लाइव क्लास में तो बच्चों के साथ मस्ती कर लो, मौज कर लो, थोड़ा देर आराम कर लो, थोड़ा चुप हो जाओ, लेकिन यहाँ तो डर है, अगर 1 सेकंड भी चुप हो गया कहीं आप सो ना जाओ, तो हमारी शर्मिंदगी जो होती है ना बच्चे, हम टीचर्स की, वो तभी होती है जब बच्चा कोई क्लास में सो रहा है या जब मार ही ले रहा है, उबासी ले रहा है, उस समय हमारे अंदर शरीर में आग लग जाता है। तो मैं वो चाहता नहीं कि आप सो, बस एक बार आप देखते रहो यहाँ पे, मैं नहीं सोने दूंगा, मैं बोलते रहूंगा जब तक जान रहेगा, लेकिन मैं आपको सोने नहीं दूंगा, आप प्लीज इसकी कॉपी कर लो। ये हो गया सर, हाँ। तो आओ जरा अब मैं केस नंबर 2 यहाँ लेकर आता हूँ, ध्यान दीजिए। केस नंबर 2 में, अच्छा मैं लिख दूँ यहाँ पे, पहला केस क्या था, केस 1 था इशूड एट, लिख दो यहाँ पे, रिविजन में हेल्प करेगा, 5% डिस्काउंट, पहला केस जो था हमारा जी, डिस्काउंट कोमा देके रिडीमेबल एट 2% प्रीमियम। ये तो हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे, ये कोई नया नहीं था आपके लिए, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब केस नंबर 2 में लिख रहा हूं मैं यहां पे, इशूड एट 5% डिस्काउंट, ये तो कॉमन है दोनों में, डिस्काउंट कॉमा रिडीमेबल, जो हमें रिडीम करना है, रिपे करना है, रिडीमेबल कहता है कि एट कितना जी, सिर्फ 2% डिस्काउंट, क्योंकि मेरे बच्चे अगर रिडीम कहता है 98% पे, इसका मतलब कि 2% का डिस्काउंट हो गया, हमें इस एंट्री को दिखाना है। मैं इसको मिटा दूं सर, हाँ सर, लिखोगे कहाँ, नहीं मिटाओगे तो चलो स्टार्ट करता हूँ। आप जरा आ जाओ इशू के टाइम की एंट्री नंबर ए, इशू तो 5% डिस्काउंट पे हुआ था ना, ये एंट्री तो सेम होगा बच्चे, ये एंट्री तो सेम होगा, लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इशू, क्योंकि डिस्काउंट तो 5% ही दिया है इशू के टाइम पे, सिर्फ इशू के बारे में सोचना, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड। एंड 2 आपने क्या बोला यहां पे, 11% डिवेंचर अकाउंट, 11% डिवेंचर अकाउंट, कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। तो देखो 1,00,000 रुपए के डिवेंचर्स हैं, बैंक में आपका 95,000 आया था और 5,000 का आपने डिस्काउंट दिया था, पहली एंट्री हमारी होगी इशू के टाइम की, अगली एंट्री समझो ना, क्वेश्चन कहता है कि रिडीम होगा 2% प्रीमियम पे, मुझे बताओ अगर रिडम्पशन 2% प्रीमियम पे होगा, अगर रिडम्पशन आपका 2% प्रीमियम पे होगा, तो मुझे ये बताओ कि कंपनी को घाटा होगा कि फायदा होगा। मैंने पहले बताया हुआ है घाटा फायदा हमेशा कंपेयर करते हैं फेस वैल्यू से, अगर 1,00,000 का डिवेंचर 2% डिस्काउंट पे रिडीम कर दूं तो फायदा कि घाटा, सर फायदा होगा। क्या फायदा आज रिकॉर्ड करूंगा, नहीं करूंगा सर, नहीं करूंगा, फायदा तब रिकॉर्ड होता है जब हमारा हो जाता है, मतलब रिडम्पशन के टाइम पे, तो मेरे बच्चे इशू के टाइम पे सिर्फ एक एंट्री बनेगा। जब हम आएंगे रिडम्पशन के टाइम पे एंट्री करने के लिए, तो आप लिखो यहां पे नंबर बी आपने क्या करना है जी, नंबर बी में आपने ध्यान दीजिए, ये 11% डिवेंचर्स की अभी कराया था मैंने एग्जांपल में, वही केस निकल के आ रहा है, अकाउंट आप डेबिट कर दो 1,00,000 से, हमने इसको हटा दिया। मुझे बताओ इसके जगह हमें जो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है मेरे बच्चे, जो हमें डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, जरा बताओ कितना करना है, सर 2% डिस्काउंट, यानी कि 98,000। हमेशा प्रीमियम और डिस्काउंट जो भी निकालना फेस वैल्यू पर निकाला जाता है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमें 2,000 का कंपनी को फायदा होने वाला है, ये फायदा वी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, आप जानते हो ना ये बात सर, हाँ जी। और अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, नाउ विल मेक पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, तो विल डेबिट यहाँ डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 98,000 और हमने पे कर दिया, यानी कि टू बैंक अकाउंट दिस इज हाउ मच 98,000। लीजिए हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, खत्म हो गई बात खत्म हो गई बच्चे। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस टॉपिक में पढ़ाऊं भी तो क्या पढ़ाऊं, आप इतने अच्छे बच्चे हैं, ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, अब प्लीज यहां तो कॉपी कर ले सर। हो गया समझ में भी आया कि बस हो गया, नहीं सर सारी बातें समझ में आ गई, कसम से जिसकी कसम खिला लो, हम झूठ नहीं बोलते, हमें सारी बातें समझ में आ गई,
बस बच्चे बस यही तो सुनना था, यही चाहता हूं कि आपको मेरे सारे टॉपिक्स में बात समझ में आए, तभी तो मजा आएगा मुझे भी और आपको भी। नहीं तो फिर आप मुझे फोन करके डाउट पूछोगे और फिर मैं आपको डाउट बताऊंगा। मैं चाहता नहीं कि वो नौबत आए, बस एक बार क्लास देख लो, सारी बातें समझ में आ जाए और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लो, यही चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा खत्म हो गया जिसका नाम था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ठीक है बच्चे, आओ ना अब इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक नया पेज लेंगे, बिल्कुल फ्रेश पेज, और लिखो हेडिंग आप यहां पे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तो हमने देखा कि यार कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट है और हमने क्या किया, डिवेंचर्स इश्यू कर दिए। लेकिन सोचो ना, मुझे एक बिल्डिंग खरीदना है, मान लो ये बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग खरीदना है, मुझे एक मशीन खरीदना है, मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें परचेज करनी है। अब जिस आदमी से मैंने ये चीजें परचेज की, मैंने कहा कि देखो जी, मैं पैसा देने के बजाय अपने कंपनी का डिवेंचर्स आपको दे देता हूं 10 साल के लिए, रखो अपने पास 10 साल तक, मैं आपको क्या करूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा और 10 साल के बाद पैसे वापस कर दूंगा। तो जो आदमी इस बात से एग्री कर जाएगा, मेरे बच्चे, जो बोलता है कि ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसी केस में कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश को छोड़ के किसी और पर्पज के लिए। और पर्पज क्या होगा, एसेट्स परचेज करना, मशीन लिया, बिल्डिंग लिया, किसी के बिजनेस को ही परचेज कर लिया हमने। एक टॉपिक आएगा एमलगमेशन, वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, आप पढ़ चुके होंगे कि वहां पे मतलब कोई भी दूसरे पर्पस के लिए तो फिर एंट्री कैसे होगा, हमें उसके बारे में सीखना है। ठीक है ना, तो आओ ना, मैंने खास आपके लिए, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, सिर्फ आपके लिए मैंने क्या किया, बुक के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं इस टॉपिक को समझाने के लिए भी। वो आप जरा आ जाइए यहां पे, क्वेश्चन नंबर 1। सर एक बात बताओ, हमने कहीं सुना है सर, आप शायद नहीं पढ़े हो, आपको अभी बुद्धि नहीं है सर आपको उतनी, हमने तो सुना है कि डिवेंचर्स जो हैं अब डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, सर हमने सुना है। बच्चे अगर आपने सुना है तो गलत सुना है, ऐसा नहीं है, आप जरा दोबारा उस सेक्शन को पढ़ो, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि शेयर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स को मना किया गया है, डिवेंचर को मना थोड़े किया गया है। बात समझ में आ रही है क्या बता रहा हूं, तो सेक्शन जो 53 है ना बच्चे कंपनीज एक्ट का, वो कहता है कि डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं हो सकते, डिस्काउंट पे डिवेंचर को मना नहीं किया गया है। और आप चिंता नहीं करो, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं, 80-85 साल का हो चुका हूं, कम से कम 90-95 साल से पढ़ा रहा हूं, कैसे भूल सकता हूं मैं, ये सारी बातें मुझे याद है और मैंने इन सबको आपको इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में समझाना है, या मैं आपको वहां पर अगर पढ़ चुके तो वहां पर समझा चुका हूं, वो डिवेंचर को मना नहीं करता। अच्छा सर ठीक है, हम हारे सर, आगे बताओ, कुछ नहीं, आओ ना सॉल्यूशन करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का, पढ़ो जरा मेरे साथ, 1 नंबर क्या बता रहा है पढ़ेंगे आप। नंबर 1, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹99,000। देखो कितना अच्छा पॉइंट है, कोई कंपनी है जी एक्स लिमिटेड, जिसने एक मशीन परचेज किया 99,000 का, पेबल बाय इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, जिसका पेमेंट उन्होंने डिवेंचर्स इश्यू करके किया है। मेरे बच्चे डिवेंचर कहता है कि ₹100 वाले हैं, और केस 1 में कहता है कि जो डिवेंचर्स इश्यू किया गया है वो केस 1 में एट पार, केस 2 में कहता है कि प्रीमियम ऑफ 10%, और केस 3 में कहता है कि डिस्काउंट ऑफ 10%, तीनों केस हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो आओ ना देखते हैं एंट्रीज कैसे बनेगा, लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो एक काम करना, केस में आने के पहले वो कॉमन एंट्री करो जो तीनों केस में होगा जी, मशीन को परचेज करने का। जरा बताओ कंपनी ने क्या परचेज किया है, सर मशीन। अच्छा बताओ मशीन एसेट्स है कि लायबिलिटी है, सर एसेट्स है। तो आप जानते तो हो कि एसेट्स यानी कि मशीन का बढ़ना डेबिट किया जाएगा, अभी तो लिखाया था उधर मैंने आपको, देख लो नए विश्वास है, तो जितने भी एसेट्स होते हैं जब वो बढ़ते तो हम डेबिट करते हैं। एंड 2, जरा बताओ हमने किन से परचेज किया है,
क्या नाम है उस बंदे का, सर नाम नहीं बता रहा है, नाम ना बताए ना बच्चे। तो जिनसे हम एसेट्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, हम उनको वेंडर कहते हैं, वेंडर टू वेंडर अकाउंट। काश आप हमें नाम बता देते तो मैं नाम लिखता, लेकिन नाम नहीं बताया तो हमने क्या बोला, टू वेंडर अकाउंट। लिख दो नरेशन यहां पे, बीइंग बीइंग मशीन मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने मशीन को परचेज किया है ऑन क्रेडिट, हमने उसकी एंट्री पास किया मेरे बच्चे, उसकी एंट्री पास किया तो मशीन टू वेंडर अकाउंट। बात समझ में आ रही है सर? हाँ, ये तो कॉमन एंट्री होगा तीनों केस में। अब हम बात करेंगे केस वाइज। आओ जरा केस नंबर क्या लिखा है, वन, पहला केस। कहता है कि आपने जो इनका पेमेंट करना है उसके लिए जो डिवेंचर्स आपने इशू किए, डिवेंचर है तो 100 रुपए का, और केस वन में कहता है बच्चे इशू किया गया एट पार। क्या आपको नहीं पता पार का मतलब क्या होता है? 100 रुपए का डिवेंचर 100 पे इशू किया गया जी। अरे पार का यही तो मतलब होता है, 100 का सामान 100 पे इशू किया। तो बताओ ना, आप इतने प्यारे बच्चे हो, अगर मुझे वेंडर का पेमेंट करना है, अगर मुझे वेंडर का पेमेंट करना है तो वेंडर की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, अगली एंट्री में वेंडर जो हमारा लायबिलिटी था मैं उसको हटा दूंगा, कितने से, 99,000। ये लीजिए, मुझे बताओ मैंने इनको पेमेंट करने के लिए क्या दिया है? सर आपने दिया है 10% डिवेंचर। तो मेरे बच्चे इस लायबिलिटी को हटाने के बाद कंपनी के पास जो नई लायबिलिटी आ रही है उसका नाम है 10% डिवेंचर अकाउंट। लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट किया जाएगा तो 10% डिवेंचर। अच्छा, अब मुझे पहले ना यहाँ पे समझाना है आपको, जरा एंट्री में थोड़ा जगह छोड़ दो, फिर नीचे लिखो। मैं यहाँ पे आपको नरेशन भी दिखाऊंगा, फिर नीचे लिखो, यहाँ पे आपको वर्किंग सिखा रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर वन। जरा बताओ कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे जी, अगर मुझे वेंडर का 99,000 का पेमेंट करना मेरे बच्चे, अगर मुझे आपका 99,000 पेमेंट करना है और एक डिवेंचर कितने का बता रहा है? सर 100 का। अच्छा ये ना बताता एक कितने का तो हम कितने का मानते हैं? सर फिर भी 100 रुपए का। तो बताओ कितने डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे? 990 डिवेंचर्स इतने इशू किए जाएंगे। सुनो मेरी बात सर। हाँ, तो यानी कि डिवेंचर के आगे अमाउंट कितना आएगा? आपने कसम खाया था 990, यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू। आप कसम तोड़ना नहीं, आपने कहा था कि सर हम इसके आगे हमेशा फेस वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो 990 इंटू 100 कितना हो गया जी? 99,000। सर आपने हमें बेवकूफ बना दिया, यही तो अमाउंट आना था। हाँ बच्चे, बट कॉन्सेप्ट भी तो सीखना था। लिखो तो मैं कुछ आगे और बताऊंगा। नरेशन लिख देना, बीइंग बीइंग 990 डिवेंचर्स इशूड एट पार। कुछ भी लिख सकते हो, एट पार आप लिख सकते हो कि 990 डिवेंचर्स इशू टू वेंडर, कुछ भी करो, एंट्री का मतलब पता होना चाहिए। ये वर्किंग नोट का पार्ट आपका है। आई बात समझ में? आप प्लीज कॉपी करें, ये एंट्री तो सब में कॉमन होगा। केस नंबर वन मैंने आपको समझा दिया। अब मैं यहां, आप तो इसके नीचे, चलो मैं भी नीचे लिख देता हूं, ये केस वन हमारा यहां पे खत्म हो गया। आप परेशान ना हो इसलिए मैंने इसको बॉक्स में डाल दूं, आप मत डालना बॉक्स में। अब आ रहे हम यहां पे देख रहे हैं केस नंबर टू। केस नंबर टू सुनो मेरी बात ध्यान से। केस नंबर टू, मुझे बताओ कि यहां वेंडर को कितना पेमेंट करना था? 99,000। तो मैंने क्या किया, वेंडर अकाउंट, आप तो कसम खा लो वेंडर के अकाउंट को उतने से ही डेबिट करना है जितना मुझे पेमेंट करना है, 99,000। पढ़ो ना केस नंबर टू में क्या बता रहा है। केस नंबर टू कहता है कि इस बार जो डिवेंचर्स इश्यू किए गए हैं वो प्रीमियम ऑफ 10%। मेरे बच्चे 10% प्रीमियम पे कहता है कि आपने डिवेंचर्स को इश्यू किया है। तो बताओ, एक तो मैं यहां पर लिखूंगा जी टू डिवेंचर, 10% डिवेंचर, डिवेंचर का नाम, और क्योंकि डिवेंचर्स वी आर इशूइंग एट प्रीमियम तो विल क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आप लिखेंगे यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब भी डिवेंचर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा इशू किया जाएगा तो प्रीमियम का नाम आएगा। यहां लिख दो, नरेशन का जगह छोड़ दो और फिर स्टार्ट करो मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर टू। वन ये था, टू एग्जाम में सारे वर्किंग एक साथ दिखाते हैं और सॉल्यूशन एक साथ दिखाते हैं, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए साथ साथ दिखा रहा हूं। जरा बताओ कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स यहां पे इशू किए जाएंगे, बताओ जरा कितने इशू किए जाएंगे? सर 99,000 का पेमेंट करना है, सर इतना पेमेंट करना है। एक डिवेंचर आपका जो है वो कितने का है? 100 का। लेकिन सर वो इशू हो रहा है 10% प्रीमियम पे।
कंपनी कह रही है कि है तो 100 रुपए का, लेकिन मैं अपने ब्रांड वैल्यू के चलते मैं आपको वो 110 के हिसाब से इशू करेंगे, 10% प्रीमियम, मतलब 10% ज्यादा। सोचो ना, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, 99,000 का पेमेंट करना है। अगर 99,000 का पेमेंट करने के लिए आप जो डिवेंचर्स इशू कर रहे हो, एक आपका 110 का है, तो कितने डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे जरा बताओ, कितने डिवेंचर्स? एक बार चेक कर लूँ क्या? आई थिंक 900 आना चाहिए, फिर भी 99,000 डिवाइड बाई 110, मेरे बच्चे ये आ गया 900 डिवेंचर्स। समझ लो मेरी बात, कंपनी ने कहा ऐसे तो डिवेंचर 100 का है, बट 10% प्रीमियम पे देंगे, यानी कि 110 के रेट से तो आपका 900 डिवेंचर्स इशू किया जाएगा। आप पहले मैं एंट्री कंप्लीट कर लूँ। आपने कसम खाया है डिवेंचर के आगे जब भी अमाउंट लिखेंगे तो आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स यानी कि 900 इंटू फेस वैल्यू यानी कि 100, इट कम्स टू 90,000। अच्छा, ये आपका 900 डिवेंचर्स, जरा बताओ प्रीमियम पर डिवेंचर कितना ले रहे हैं? सर 100, 10%, ये कितना हो गया? 9,000। लीजिए, हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, 99 लिखना यहाँ पे, बीइंग 900 डिवेंचर्स इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ कितना जी? सर 10%। हो गई बात, नरेशन कोई बड़ी बात थोड़े, कुछ भी लिखो, मैंने कहा कि कुछ भी लिखो, तो गाली मत लिखना बस। तो हमारा केस नंबर 2 भी खत्म हो गया, जल्दी से आओ ना, हम केस नंबर 3 भी खत्म कर लें, कुछ है नहीं पढ़ाने को मेरे पास आज, तो सिर्फ समय आपका बर्बाद कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। मैं कुछ अच्छा पढ़ाता तो आपको अच्छा भी लगता है, इसमें कुछ पढ़ाने को है नहीं, मैं करूं तो क्या करूं, जरा बताओ ना। हमने वेंडर को पेमेंट कितना करना है? 99,000। पढ़ो जरा इस पर क्या बता रहा केस नंबर 3 में, इनका पेमेंट करने के लिए हमने जो डिवेंचर्स इशू किया वो 10% डिस्काउंट पे, मेरे बच्चे डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट पे इशू किया, बताओ डिस्काउंट तो हमारा एक्सपेंस है ना? सर हाँ, इट विल बी डेबिटेड। तो आप लिखो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड एंड टू, आपने कहा 10% डिवेंचर अकाउंट। आओ जरा एक बार जल्दी इससे देखें कि हमें कितने डिवेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे, लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट्स में, दिस इज वर्किंग नोट्स आपका नंबर 3, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना जी? तो 99,000 का पेमेंट करना है, एक डिवेंचर 100 का है बट 10% डिस्काउंट यानी कि 10 रुपीज का डिस्काउंट, मीन्स डिवेंचर्स वी आर इशूइंग एट द रेट ऑफ 90, मेरे बच्चे 90, तो 1100 डिवेंचर्स वी हैव टू इशू फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ 99,000। मुझे बताइए डिवेंचर के आगे क्या आएगा? सर 1100 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि फेस वैल्यू, ये कितना आ गया आपका? 1,10,000। अच्छा बताओ डिस्काउंट के आगे कितना आएगा? सर 1100 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई आपका 10, पर आपका डिवेंचर 10 का डिस्काउंट है 11,000। लीजिए हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, कुछ है नहीं चैप्टर में, क्या पढ़ाऊं मैं, तो बड़ा परेशान हो रहा हूं, कहीं आप सो ना गए हो, मुझे बड़ा डर लग रहा है। नहीं सर नहीं, हमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सर। आगे बताओ ना क्या करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहता हूँ, और क्या करूंगा जरा बताओ। आप पहले यहां तक लिख दो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये हो गया आपका? सर हाँ सर, ये तो हो गया, मैं इसको मिटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे और जरा देखते हैं क्या निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टॉपिक के अंदर चल रहा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टॉपिक के अंदर में, ठीक है ये लीजिए आप, जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के पास, क्या बता रहा है? कहता है ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड, ध्यान से एग्जाम का क्वेश्चन आपका है, ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड परचेजेज बिल्डिंग वर्थ ₹150, प्लांट मशीनरी वर्थ कहता है 140 एंड फर्नीचर कहता है कि 10,000 का फ्रॉम वाधवा एन कंपनी। ओहो, यहां पे तो उसने वेंडर का नाम बता दिया बच्चे, नाम क्या है? वाधवा एन कंपनी एंड टूक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ 20,000। लो, हमने वाधवा एन कंपनी के एसेट्स भी लिए हैं और हमने लाइबिलिटी भी लिया है बच्चे, दोनों लिया, कोई बात नहीं देख लेंगे। हाँ, कितने रुपए में? फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,15,000, मतलब इन सब के बदले में मैं वाधवा एंड कंपनी यानी कि वेंडर को कितना पे करूंगा? 315। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 99,000 था ना बच्चे,
उसी तरीके से 3,15,000 कहता कि ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड मतलब कंपनी ने पेड परचेज कंसिडरेशन यानी कि कीमत जो है पे किया कैसे बाय इशूइंग 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। लो वो 5% प्रीमियम पे कहता है कि आपको यहाँ पे किया गया, बोलता है पास नेसेसरी एंट्रीज, मेरे बच्चे एंट्रीज पूछ रहा, वो एंट्रीज आओ ना एंट्रीज करते हैं। आप मेरे साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे करना सॉल्यूशन यहाँ पे कौन से क्वेश्चन का जी, कौन से क्वेश्चन का सर, ये क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर टू का, क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन सर यहाँ पे शुरू करता हूँ। पहले तो मैं काम करूंगा, पहले मैं परचेज की एंट्री करूंगा नंबर वन, यहाँ कोई केस तो है नहीं, एक ही एंट्री करना है, समझो ना। मैं लिख दूं पहले किसके बुक में एंट्री हो रहा है, लिख दूं ऊपर में इन द बुक ऑफ क्या नाम है कंपनी का जी, ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है बच्चे, इनके बुक में वी आर पासिंग एंट्री ब्लू, ऐसे लिखा जाता है ब्लू। अब देखो मैंने बिल्डिंग परचेज किया, बताओ अगर ब्लू प्रिंट्स ने बिल्डिंग परचेज किया तो ब्लू प्रिंट्स का क्या बढ़ जाएगा सर, बिल्डिंग एसेट्स, और आप जानते हैं कि एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है। बताओ कितने का बिल्डिंग है, 1,50,000, और हमने क्या लिया प्लांट एंड मशीन, तो प्लांट मशीन अगर हमने परचेज किया ये भी तो हमारा एसेट्स है और ये भी बढ़ना हम क्या करेंगे जी, डेबिट करेंगे। बताओ प्लांट मशीन हमारे पास कितने का आया है सर, प्लांट मशीनरी कहता है कि 1,40,000 का, 140 का, और बताओ क्या लिया सर, हमने फर्नीचर भी लिया है, फर्नीचर आप जरा बताओ फर्नीचर हमने यहाँ पे कितने का रिकॉर्ड किया जी, कितने का लिया है 10,000 का। पता है किसी कंपनी के अगर मैं एसेट्स परचेज करूंगा तो उनका एसेट्स मेरा एसेट्स बन जाएगा, एसेट्स बढ़ना डेबिट, थोड़ा जगह छोड़कर नीचे में टू, अरे मैंने उनकी लायबिलिटी को भी टेक ओवर किया है, अगर मैं किसी कंपनी के लायबिलिटी को टेक ओवर करूंगा तो अब ये मेरी लायबिलिटी को बढ़ा देगा, और आप जानते हैं कि लायबिलिटी बढ़ना क्रिएट किया जाता है, मैंने उधर बताया भी था एंट्री आपका 20,000 से। जरा बताओ इसके बदले में मुझे वेंडर जो हमारा यहाँ पे वाधवा एंड कंपनी है, मुझे बताओ वाधवा एंड कंपनी को कितना पेमेंट करना है सर, ये कहता है कि 3,15,000, लिखो यहाँ पे 3,15,000, और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान से, मुझे कुछ आपको समझाना है, मैं लाल लाल अक्षरों से कुछ लिखूंगा, वो आपको नहीं लिखना, वो नहीं लिखना, मेरी बात सुनना आपने, बस सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, यहां देखो, यहां देखो, जरा बताओ ये अमाउंट टोटल कितना हो गया, मुझे बताओ मैं मतलब ब्लूप्रिंट्स ने एसेट्स कितने के लिए सर, 3 लाख के, आपने लिखना रेड वाली बात आपने नहीं लिखना बच्चे, 3 लाख का, 3 लाख होना, हाँ अच्छा, मैंने उनकी लायबिलिटी कितने के लिए 20,000 की, तो चलो बताओ नेट अमाउंट मेरे पास कितना आ गया, 3 लाख का एसेट्स, 20,000 की लायबिलिटी, तो मेरे पास नेट 280 तो आया बच्चे। अगर किसी कंपनी का 3 लाख का एसेट्स लूंगा साथ ही साथ उस पर लायबिलिटी भी मैं ही पे करूंगा तो फिर तो मुझे 280 मिला, मेन मिला ना सर, हाँ जरा बताओ 280 के बदले में, जरा बताओ 280 के बदले में मैं वाधवा एंड कंपनी को कितना पे कर रहा हूं, 3,15,000। याद रखना आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है ब्लूप्रिंट्स यानी कि कंपनी के एंगल से, मैं कंपनी हूं, ब्लूप्रिंट्स मेरा नाम है बच्चे, मान लो मेरा नाम है, मुझे बताओ कि मैंने एसेट्स कितने का लिया, 280 का, लेकिन 280 का एसेट्स लेकर आया और पेमेंट 3,15,000 कर रहा हूं, जरा बताओ पेमेंट 280 के बदले में 315 कर रहा हूं, तो मुझे यानी कि कंपनी को घाटा हुआ कि फायदा हुआ, बताओ ना। अगर मैं 280 का सामान लेकर आऊं लेकिन इसके बदले में 3,15,000 पे कर रहा हूं, 315 तो घाटा हुआ कि फायदा हुआ सर, आपको घाटा हुआ सर, घाटा हुआ क्योंकि आपने ज्यादा पे कर दिया। पता है, सुनो ध्यान से, जब किसी के बिजनेस को मैं लेता हूं ना बच्चे, जब किसी के बिजनेस को एक्वायर करता हूं, ये बिजनेस है क्योंकि हमने सारे से सेलेब्रिटी ले लिए, और बिजनेस को एक्वायर करने के टाइम पे जितने कीमत के नेट एसेट्स मैं आपसे लेता हूं 280, अगर मैं उससे ज्यादा आपको पे करता हूं, ज्यादा पे करता हूं, तो बच्चे मुझे यानी कि कंपनी को लॉस हो गया। इस लॉस को अकाउंट्स में कैपिटल लॉस कहते हैं, कैपिटल लॉस, सुना मेरी बात आपका, कैपिटल लॉस हुआ। और पता है अकाउंट्स क्या बोलता है कि कैपिटल लॉस को आप गुडविल के नाम से रिकॉर्ड करना, सुना मेरी बात, मैंने क्या बताया, कैपिटल लॉस जो है पूरे अकाउंटेंसी में वी रिकॉर्ड
विद द नेम ऑफ गुडविल अकाउंट. गुडविल अकाउंट मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर 280 का सामान लेकर आया, 280 के सामान के बदले में मैंने ज्यादा पे किया, तो मैं इसको कैपिटल लॉस यानी कि गुडविल दिखाऊंगा और गुडविल को आप यहां पे डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि आपका गुडविल यानी कि एसेट्स का बढ़ना डेबिट होगा. कितने का जी, कितना था, 280 यानी कि 35,000 का. ये लिखो बैलेंसिंग फिगर है. सर ये गुडविल क्यों बोलते हैं, आपको बताऊंगा डिटेल एमलगेमेशन चैप्टर में. अगर कभी मौका मिला हमें पढ़ने का तो एमलगेमेशन में समझाऊंगा बच्चे. आज तो सिर्फ इतना ही समझना पड़ेगा आपको कि अगर आपके रियल वैल्यू से ज़्यादा मैं पे करता हूँ, अगर मैं आपके रियल वैल्यू से आपको ज़्यादा पे करता हूँ तो वो मेरे लिए लॉस हो जाएगा अकाउंट्स में. ऐसे लॉस को कैपिटल लॉस कहते हैं एंड पूरे अकाउंटेंसी में कैपिटल लॉस को गुडविल के नाम से दिखाते हैं. सर गुडविल तो रेपुटेशन होता है. हाँ बच्चे वो भी होता है और ये भी होता है, अकाउंट्स अलाउ करता है. क्यों मैं वहां बताऊंगा, फिलहाल आप यहां कॉपी कर लो. लिख देना यहां पे बीइंग बिजनेस परचेज्ड, आपने परचेज किया फ्रॉम, क्या नाम है उसका वेंडर का, सर वाधवा एंड कंपनी. तो लिखो यहां पे वाधवा एंड कंपनी को आपने क्या किया, परचेज किया. ये काम पूरा हमारा हो गया, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट. नाउ कम टू सेकंड एंट्री, दूसरी एंट्री पे मैं आता हूँ. ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, अब वाधवा एंड कंपनी का पेमेंट करना है. पिछले वाले क्वेश्चन में वेंडर था तो वेंडर ने बिड किया था. अगर वो नाम कह देगा वाधवा एंड कंपनी तो फिर नाम ही तो लिखूंगा. सर क्यों वेंडर नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते. अरे मैं अगर आपके नाम को जानता हूं तो फिर आपको नाम से पुकारूंगा. नाम अगर नहीं जानता तब तो लड़का या लड़की बोलूंगा, समझ लो मेरी बात यहां पे. तो इस पर मैं आपके नाम को जानता हूं, नाम से पुकारूंगा. ठीक है, तो आओ ना, मुझे वाधवा एंड कंपनी को कितना पेमेंट करना है, 315 ये पेमेंट करना है. मुझे बताइए क्वेश्चन में जो पेमेंट करना है इसके लिए हमने क्या दिया है. सर 12% डिवेंचर, लिखो यहां पे 2 12% डिवेंचर, 2 लिखे आप यहां पे 12% डिवेंचर. मुझे बताओ डिवेंचर जो इश्यू हो रहा है किस चीज पे हो रहा है. सर प्रीमियम पे, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपने यहां रिकॉर्ड किया. ठीक है ना, और मैं एक बार नरेशन का जगह छोड़ के मैं पहले आपको वर्किंग कर दूं. लिखिए यहां पे वर्किंग नोट्स नंबर 1, चेक करता हूं आखिर कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स यहां पे देने पड़ेंगे. अगर मुझे 315,000 का पेमेंट करना, मेरे बच्चे कहता है कि एक डिवेंचर आपका 100 का है और इश्यू हो रहा 5% प्रीमियम यानी कि 105 के रेट से, आपका कितना आ गया, चेक करो, आई थिंक 3,000 आ रहा होगा. 315,000 डिवाइड बाई 105, ये आ गया आपका 3,000. हाँ जी, तो 3,000 डिवेंचर्स यहाँ पे क्या किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे. बताओ डिवेंचर में कितना हो जाएगा. सर 3,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय आपका 100, ये अमाउंट आ गया 3 लाख का. ये अमाउंट आ गया 3 लाख का और यहाँ प्रीमियम के आगे में 3,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई 5, मेरे बच्चे 5 प्रीमियम का. आपने कसम खाया था कि फेस वैल्यू ही डिवेंचर्स के आगे रिकॉर्ड होगा, बाकी अमाउंट प्रीमियम के आगे में. लीजिए और कह देना नरेशन में बीइंग 3,000 डिवेंचर्स इशूड एज परचेज कंसिडरेशन. नरेशन कुछ भी लिख सकते, मैंने कहा था ना परचेज कंसिडरेशन, आप ऐसे लिख दो. आप लिख सकते हो कि 3,000 डिवेंचर्स इशूड एज परचेज एट प्रीमियम ऑफ इतना, कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप प्लीज कॉपी कर लो. फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया. आपके एग्जाम में जितनी बातें बता रहा हूँ उससे हटके कुछ नहीं आएगा. मैं आपको इसको लिखित देने को तैयार हूँ, लिखित आपको इसको ध्यान से दे देना है. सारे केसेज हम कवर कर रहे हैं. अच्छा सर, अब आओ ना, मैं साथ ही साथ क्यों ना क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दूं. 2 मिनट का समय लगना है, ऐसा ही तो क्वेश्चन है. एक बार पढ़ना जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे आप. हो गया यहां तक, ये हो गया बच्चे, अरे हो गया सर. हाँ सर हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ सर, पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है कि एज्यूम इन द प्रीवियस क्वेश्चन. मेरे बच्चे इसी क्वेश्चन में कहता है कि एज्यूम करो कि परचेज कंसिडरेशन आपका 2,70,000 है. ओह एक मिनट, इस बार तो 315 था, कहता है कि ना 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 आप कितना मान लो 270. अभी कुछ करना नहीं, देखेंगे अभी, क्वेश्चन आगे पढ़ो. कहता है कि और जो पेमेंट आपने किया है बाय इश्यू ऑफ 12% डिवेंचर 100 का एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. जो डिवेंचर्स इशू किए गए हैं वो 10% डिस्काउंट पे किए गए.
और बच्चे डिवेंचर्स जो इशू हुआ है वो 10% डिस्काउंट पे हुआ है, तो आओ ना देखते हैं कि डिवेंचर्स इशू हुआ 10% डिस्काउंट पे तो एंट्री उसकी कैसे दिखाऊंगा। ध्यान देंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री लिखिए यहाँ पे, एंट्री किसके बुक में हो रहा है? तो सर इन द बुक ऑफ, क्या नाम है जी आपका? ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड। हम लोग कंपनी की अकाउंटिंग, कल को हम जब बड़े बच्चे बन जाएंगे कंपनी में काम करने जाएंगे तो ये एंट्री हमें करना होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो हमने पहली एंट्री में क्या किया जी, बिल्डिंग परचेज किया। लिखो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। कितने की बिल्डिंग ली हमने? 1,50,000। और क्या लिया हमने? प्लांट एंड मशीन। लिखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिटेड। बताइए ये प्लांट मशीन कितने का हमारे पास आया है? सर 1,40,000। हमने फिर फर्नीचर भी तो लिया है मेरे बच्चे, बोलो ना। हाँ सर, हाँ जी सर, लिया है। कितने का लिया? 10,000 का ये हमने लिया। उसके बाद जरा बताओ, जगह छोड़ के और हमने क्या लिया? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितने का था? 20,000 का। कोई मुझे बताए 3 लाख का एसेट्स, 20 की लाइबिलिटी, तो नेट एसेट्स मेरे पास कितने का आया? नेट एसेट्स 280 का। मुझे बताओ इस बार 280 के बदले में वाधवा एंड कंपनी, साथ साथ लिख रहे हैं आप, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वाधवा एंड कंपनी को मैं कितना पेमेंट कर रहा हूं? 270। इस बार मुझे बताओ मेरे पास 280 का सामान आए एंड 280 के बदले में 270 का पेमेंट करूं, तो मुझे घाटा हुआ कि फायदा हुआ? सर फायदा हुआ। बच्चे बिजनेस को लेने के टाइम पे घाटे फायदे जो होते हैं ना, वो कैपिटल लॉस या कैपिटल प्रॉफिट होता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि कैपिटल प्रॉफिट जो होता है वी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये 10,000 जो आपका हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर नीचे में जो आ रहा है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट वी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बात समझ में आ रही है? सर हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो लिखो पहली एंट्री कंप्लीट। लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस गुडविल लिखेंगे, फायदा तो कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। सर एक बात बताऊं, कैपिटल रिजर्व का ना पूरा ठीक से मीनिंग, हमें परेशानी होता है सर ये रिजर्व का क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। आप चिंता नहीं करो, मैंने एक कैप्सूल तैयार किया है थ्योरी का, जिसमें रिजर्व के बारे में भी सारी बातें आपको बताई हैं, एक एक डिटेल डिस्कशन के साथ। तो आप उस क्लास को जब पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल क्योंकि चैप्टर के बीच में हम सारी बातें नहीं कर सकते हैं, तो उतनी ही बातें कर रहा हूं जो आपके लिए रेलिवेंट है यहां पे, ठीक है ना। इसलिए दिमाग में अभी कुछ ना आने दें, बस क्वेश्चन को सोल्व करें। लीजिए पहला एंट्री कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ एंट्री नंबर टू, मेरे बच्चे वाधवा एंड कंपनी को हमें पेमेंट करना है, तो वाधवा एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड कितना पेमेंट करना है? सर 2,70,000। लिखो ना यहाँ पे 270। मुझे बताओ क्या दिया हमने इनको जी पेमेंट के बदले में? सर आपने यहां पे जो इश्यू किया है वो डिवेंचर किया सर, लेकिन इस बार डिस्काउंट पे है, तो ठीक है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप जानते हो तो हो, डिस्काउंट पे इश्यू किया, हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ना डेबिट होगा, तो डिस्काउंट ऑन डेबिट कर दीजिए। एंड टू कितना परसेंट डिवेंचर है? सर 12% डिवेंचर, ठीक है। तो 12% डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम तो क्रेडिट हो जाएगा और डिस्काउंट तो डेबिट हो जाएगा। हाँ नरेशन का जगह छोड़ के लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट्स। नंबर वन, इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स? सर एग्जामिनर को हमें दिखाना होगा क्या? हाँ बच्चे, आप उनको समझाना कि हमने डिवेंचर्स कैसे निकाले हैं। तो 2,70,000 का पेमेंट करना है। जरा बताओ एक डिवेंचर कितने का है? सर 100 का। कितना डिस्काउंट? 10%, तो कितना हो जाएगा? 90 रुपीज के हिसाब से ये 3,000 डिवेंचर्स आपका निकल के आ गया। ये कोइंसिडेंस है कि यहां भी 3,000 और यहां भी, ये मत समझना कि दोनों हमेशा इक्वल आएगा बच्चे, कुछ भी आ सकता था। खैर हमें तो एंट्री बताना है। डिवेंचर के आगे वी ऑलवेज रिकॉर्ड फेस वैल्यू 3,000 × 100। कितना अमाउंट आ गया आपका? 3 लाख। डिस्काउंट कितना हो जाएगा जरा बताओ? तो सर 3,000 मल्टीप्लाइड बाय आपका यहां पे 10, ये कितना हो गया? 30,000 का अमाउंट। ये लीजिए एंट्री कंप्लीट हो गया। वाधवा एंड कंपनी डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और लिखो ना नरेशन यहां पे, बीइंग 3,000 डिवेंचर्स इश्यूड एट 10% डिस्काउंट। कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने कहा है, क्या फर्क पड़ता है। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। आप समझ रहे हो कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूं? नहीं सर, हमें समझ में आ रहा है। सर ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? फॉर
कंसिडरेशन अदर देन कैश. सिंपल सिंपल बात है, यहाँ पे कुछ नया चीज है नहीं समझाने को. हाँ, एग्जामिनर अगर अपनी हद को क्रॉस करेगा, एग्जामिनर अगर अपनी हद को क्रॉस करेगा और वो आपको परेशान करने की अगर कोशिश करेगा, तो मेरे बच्चे वो एक स्टेप आपसे और आगे जा सकता है. मैं इसको मिटा दूँ, मिटा दो, बट कोई जरूरत नहीं मिटाने का, मैं यहाँ भी बता सकता हूँ. मेरे बच्चे अगर एग्जामिनर थोड़ा सा अपने हद को क्रॉस करेगा और वो चाहेगा कि थोड़ा आपको फंसा दूँ, तो वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर फोर्थ को बनाएगा. कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार चेक करते हैं फोर्थ आपको क्या बताता है. सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, फोर्थ क्वेश्चन क्या बताता है. फोर्थ क्वेश्चन मिला आपको सर, हाँ पढ़ो ना क्या बता रहा है. जी डब्ल्यू के लिमिटेड, ये कैसा नाम है मत जाओ चक्कर में, बस एसेट नाम है. परचेज एसेट्स 450 का और लाइबिलिटी टेक ओवर किया बच्चे 35,000 का ऑफ KLMN कंपनी, ये हमारा विंडर है. फॉर परचेज कंसेशन ऑफ 4 लाख, क्यों ना साथ साथ एंट्री करें, क्यों ना साथ साथ एंट्री करें. लिखो फोर्थ में आपका यहां पे पहली एंट्री नंबर ए या वन कुछ भी लिख सकते हैं. एंट्री पहले बताओ किसके बुक में हो रहा है. सर इन द बुक ऑफ, क्या नाम है कंपनी का जिसने परचेज किया, जी डब्ल्यू के लिमिटेड. बताइए आपने एसेट्स को परचेज किया तो हम डेबिट करेंगे एसेट्स को. कितने का एसेट्स परचेज किया जी हमने, सर 4,50,000 डेबिट कीजिए, थोड़ा जगह छोड़ के. टू और क्या लिया, लाइबिलिटीज. अगर हमने उनकी लाइबिलिटीज परचेज की तो लाइबिलिटी हमारी बन गई. कितने की लाइबिलिटी है सर, 35,000. अच्छा बताओ इसके बदले में हमें KLMN कंपनी जो हमारा वेंडर है उसको कितना पेमेंट करना है. सर क्वेश्चन कहता है कि 4 लाख का अमाउंट लीजिए, 4 लाख का अमाउंट. मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे इतना बताओ, 450 का एसेट्स लेता हूं और 35 की लाइबिलिटी, नेट अमाउंट कितना हो गया नेट, सर 415. अगर 415 के बदले में 4 लाख का पेमेंट किया तो मुझे घाटा हुआ कि फायदा हुआ. सर फायदा हुआ, कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व. तो आपने लिखा टू कैपिटल रिजर्व, कितने का फायदा हुआ, 15,000. और एग्जाम में इतना थोड़े ही सोचना है, अगर ऊपर में बैलेंसिंग फिगर आ गया तो गुडविल कह देना, नीचे में आ गया तो कैपिटल रिजर्व. कॉन्सेप्ट क्या मैं आपको समझा चुका हूं. आइए अब मुझे यहां पे KLMN कंपनी का पेमेंट करना है, विल डेबिट हिम कितने से जी, 4 लाख. बताओ ना हमने क्या दिया इनको, क्या दिया, पढ़ो जरा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सच्ची बता रहा हूं कसम से. कहता है कि सेकंड लाइन पढ़ रहे हैं हम, सेकंड लाइन 4 लाख के बाद सेकंड लाइन पढ़ रहे हैं कि परचेज प्राइस वॉज पेड बाय इश्यू ऑफ ₹100 12% डिवेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. अच्छा हमने यहां पे 100 का डिवेंचर्स इश्यू किया है जी 10% प्रीमियम पे. आगे पढ़ लो, डिवेंचर्स कहता है कि जो कंपनी के हैं वो कोट किए गए हैं मार्केट में 140 के रेट से एट द रेलिवेंट टाइम. यू आर रिक्वायर टू गिव एंट्रीज, आपका बताओ एंट्रीज क्या निकल के आएगा. मेरी बात सुनो, अभी दिमाग में कुछ सोचना नहीं, मेरी बात बस सुन लो. हमने इनका 4 लाख का पेमेंट करना है. क्वेश्चन कहता है कि जो पेमेंट करना है वो डिवेंचर देके, क्या नाम था डिवेंचर का, सर 12% डिवेंचर. तो आप लिखे यहां पर टू 12% डिवेंचर अकाउंट. सर ये जो डिवेंचर इशू किया गया है ये किस चीज पे इशू किया गया है, बच्चे कह रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम पे ज्यादा प्राइस पे इशू किया था ना आपने, और कितना ज्यादा किया था, सर वो कह रहा था कि 10% प्रीमियम. सर ये क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया वो क्या है, छोड़ो ना उसको, जो कर रहा हूं पहले वो करो फिर बाद में सोच लेंगे हम. यहां पे ये लिख दिया आपने सर, हाँ. और फिर एक काम करना, इसके आगे 3-4 लाइन जगह छोड़कर, 3-4 लाइन जगह लिखो मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 1. एक बार चेक करते हैं आखिर नंबर ऑफ डिवेंचर्स मुझे कितने इशू करने पड़ेंगे अगर 4 लाख का मुझे पेमेंट करना है मेरे बच्चे, और एक डिवेंचर वी आर इशूइंग एट द रेट ऑफ 110, क्योंकि 100 का डिवेंचर 10% प्रीमियम कितना हो गया 110, बताओ कितना आ गया, बताओ जरा. तो 4 लाख का हमें पेमेंट करना है और 110 ये आ गया मेरे बच्चे. ओहो ये तो आ रहा है 3636.363636. यही आपका चलते चला जा रहा है. ओहो ये क्या, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ये तो डिवेंचर मेरे बच्चे फ्रैक्शन में आ गया. अब मैं क्या करूं, लो ये फ्रैक्शन में आ गया, अब मैं क्या करूं, फ्रैक्शन में आ गया मैं क्या करूं.
पता क्या करना होगा, जब भी फ्रैक्शन में आएगा ना मेरे बच्चे, बहुत ध्यान सुनना, आप जानते हैं कि शेयर्स डिवेंचर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में इशू नहीं हो सकते। शेयर्स डिवेंचर एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, फ्रैक्शन में इशू नहीं होते बच्चे। पता आपको क्या करना होगा, जब भी ऐसी नौबत आ जाए तो आप इसका राउंडिंग ऑफ नहीं करना, राउंडिंग ऑफ नहीं, ध्यान सुनना, जो एग्जैक्ट नंबर आएगा ना, एग्जैक्ट नंबर, इसका तो पेमेंट कर दो आप यहां पे डिवेंचर्स में, जो एग्जैक्ट नंबर आएगा, और जो फ्रैक्शन निकल के आएगा ना बच्चे, इसका पेमेंट आप कर देना कैश में। सुनना मेरी बात, जो नंबर आएगा, जो एग्जैक्ट नंबर आएगा, उसका पेमेंट आपको डिवेंचर देना है, और जो फ्रैक्शन आएगा दैट शुड बी पेड इन कैश, नेवर वी राउंडिंग ऑफ इट, कभी राउंडिंग ऑफ नहीं करते, याद रहेगी बात। सर हाँ सर, तो देखो मैं क्या करूंगा, हाँ कैश भी तो देना है बच्चे, तो टू कैश ना करके टू बैंक कर देना, कैश भी लिख सकते हो आप, बट जनरली कंपनी की डीलिंग बैंक होती है तो बैंक कर देंगे आपका। ये देखो डिवेंचर कितना जाएगा, 3636, लिखो यहाँ पे 3636 इंटू आपका 100, ये आपका फेस वैल्यू चला गया, कितना जी 3636 00। प्रीमियम के आगे मेरे बच्चे 3636 इंटू आपका 10, 10 रुपए का प्रीमियम है 3636 00, और जो बैंक से पेमेंट करेंगे यानी कि 0.363636 डॉटेड जो निकलते आ रहा है इंटू आपका, सुनो मेरी बात, अगर मैं आपको एक डिवेंचर दूंगा तो 110 का है, अगर मैं फ्रैक्शन पेमेंट करूंगा मेरे बच्चे तो वो भी 110 के हिसाब से, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 आ जाएगा, जो इसके बीच का दो, इसका और इसके बीच का गैप होगा, पक्का है, आप चेक कर लो। जब ये पूरा पूरा कैलकुलेटर लिखो एंड में, एंड तक, और आप 110 से मल्टीप्लाई करो तो सेम अमाउंट निकल के आएगा, राउंडिंग अप में 40 रुपीज का अमाउंट, एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया, एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे मैं पूछ रहा हूं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा सर, लेकिन सर आपने इसको 110 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि अगर मैं आपको एक डिवेंचर दूंगा, एक डिवेंचर तो 110 का है, अगर मैं इसके टुकड़े का पेमेंट आपको करूंगा कैश में तो वो भी मुझे 110 के हिसाब से ही देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप उस डिवेंचर को जो बेचोगे तो 110 आपको मिलेगा, तो कैश लो चाहे डिवेंचर लो 110 के हिसाब से करना होगा। आई बात समझ में? अच्छा सर ठीक है, लेकिन सर इस क्वेश्चन में थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, पढ़ो जरा, कि डिवेंचर्स ऑफ जीडब्ल्यू के लिमिटेड जो है वो कोट किया गया है मार्केट में 140, ये क्या है? जिस कंपनी के बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका डिवेंचर्स मार्केट में आज 140 रुपए का है, सर इसका क्या है? मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन ने मुझे कह दिया कि डिवेंचर्स जो इशू किया गया है वो 110 के हिसाब से, क्वेश्चन ने कह दिया 110 के हिसाब से, तो हमने यहां पे 110 माना। अगर क्वेश्चन ये रेट ना बताता तो मैं 140 यानी कि 140 से डिवाइड करता, क्योंकि डिवेंचर्स इशू होगा मार्केट प्राइस पे। ध्यान से मेरी बात सुनना दोबारा, अगर क्वेश्चन में ये ना बताता कि डिवेंचर्स नई कंपनी ने जो इशू किया किस रेट से, तो मार्केट प्राइस यानी कि 140 के रेट से मानता, फिर मैं 140 से डिवाइड करता, नंबर निकालता और फिर मैं काम करता। बट क्योंकि क्वेश्चन ने आपको कह दिया है कि नई डिवेंचर्स 110 के हिसाब से इशू होगा 10% प्रीमियम पे, तो फिर क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में 140 का फिगर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, और दूसरा उसका कोई भी मोटिव नहीं है। आई बात समझ में? सर हां बात सर समझ में आई। तो मेरे बच्चे आज हमने आपका ना दो टॉपिक खत्म किया इश्यू ऑफ डिवेंचर के अंदर में, फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट बचा है या कोई इशू अलग से आपके दिमाग में क्रिएट हो सकता है, फिर भी क्रिएट हुआ तो हम मोस्ट वेलकम है आपके डाउट सेशन में। आपने क्या करना है वो सवाल मुझसे पूछने हैं, है ना, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ और सिर्फ आपके लिए खड़ा हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम अगली क्लास में, बाकी के जो इनके टॉपिक्स बच के बचे उनका डिस्कशन करेंगे, फिर इश्यू ऑफ डिवेंचर पूरा फिनिश करेंगे। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा एंड थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।